Welcome all students will be starting soon. Disha madam would be available here, I guess. Disha madam yahan jaldi available hongi. Sabhi ko meri sound, a voice and video is complete, clear? Yes sir. A very important requirement aap logo ko apne videos on rakhne hain, kyunki ye training session hai aapka jo 11 to 12 days chalega. And this is very, very, very important for each one of you to be on videos. Welcome, Arijit. Shrestha, Isha, Manish, Neha, Kaushal, Deepak, Ayushi, Anshita, Nikhil, Bhavya, Utsav, Vansh, Anshika, Shivani, Ashmit, Priyanshu, Shivi, Karan, Tanu. Okay. Keep joining, जब तक और लोग ज्वाइन करते हैं मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं. पहला क्वेश्चन आप लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्या है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम ऑब्जेक्टिव क्या है. जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स, या तो चैट बॉक्स में लिखिए या फिर बोल के बताइए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है. और जितने लोग वीडियोज पे नहीं है सी आप, मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे अटेंडेंस की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट रहेगी आप लोगों के लिए जो क्लासेस में होती है. पहले रिक्वायरमेंट अटेंडेंस होगी, वीडियोज होंगे और आपको क्योंकि आज से 7 दिन बाद एक एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, तो इसलिए ये जो आने वाले 7 डेज जो हमारे हैं, और एग्जाम से ज्यादा मैं आपको बहुत ही एक्साइटिंग चीज अभी बताने वाला हूँ, सो दैट आप अपने वीडियोस पर आ जाइए. इट इज अ रिक्वायरमेंट, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिए ये ऑप्शनल है, इट इज कंपल्सरी टू बी ऑन वीडियोस सो दैट वी नो हूसोएवर इज अवेलेबल. So, या तो चैट करके बताइए या फिर वीडियोस पे बताइए कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं. लेट्स आस्क अरिजीत से पूछते हैं. अरिजीत आप यहाँ पे क्यों अवेलेबल हैं? यस अरिजीत, अंशिता, so for learning new things okay. others maybe you can type in chat box or maybe you can unmute and speak. Is Disha madam here available from Teamlease? Disha, okay, Disha madam, let me check. Okay, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि ये ट्रेनिंग अगर आप कर लेते हैं ना, आपका कुछ होगा या नहीं होगा, बट आई कैन टेल यू समथिंग, आप इसे कितने लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, कितने लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, रेज योर राइट हैंड, वीडियो पे ऑन करके रेज योर राइट हैंड, कितने लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, एंड रेज योर लेफ्ट हैंड, आप में से कितने लोग करोड़पति नहीं बनना चाहते. ओके, नो वन. सो एवरीबॉडी वांट्स टू बी अ करोड़पति. सी अगर आप इस क्लास को अटेंड कर लेते हैं ना, अगर आप 10 दिन मेरे साथ रह जाते हैं, एंड बिलीव मी ये मेरा मतलब दिस इज माय कमिटमेंट, अगर आप ये 10 या 11 दिन जो भी हम लोग साथ में रहेंगे, 11 दिन अगर आप मेरे साथ रह गए, आप कोई एक चीज जरूर अचीव करेंगे. नंबर वन, एक अपना म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्जाम पास करेंगे. जिस एग्जाम को पास करके आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है आपको ओरिएंटेशन में मिला होगा कि आपको आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं. आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानकारी रख के म्यूचुअल फंड्स लोगों को सेल कर सकते हैं और एक कमीशन अर्न कर सकते हैं, यानी कि आपको अपना एक करियर डेवलप कर सकते हैं. नंबर टू. नंबर थ्री, ये नॉलेज आपको बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ मेल, वो हेल्प करने वाली है जो आपको चाहिए. मतलब ये नॉलेज आपको मार्केट में कोई अवेलेबल नहीं कराएगा. व्हाट डू आई मीन बाय नहीं कराएगा? नहीं कराएगा का मतलब यह है कि दिस इज द नॉलेज दैट इज नॉट फ्रीली अवेलेबल इन द मार्केट, बट Teamlease की तरफ से और सभी के साथ होते हुए आपको ये एक डबल अपॉर्चुनिटी मिल रही है. अपॉर्चुनिटी नंबर वन, गेट योर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम. अपॉर्चुनिटी नंबर टू, लर्न द इन्वेस्टमेंट. सी मार्केट में लोग इस चीज के पैसे ले रहे हैं आपको सिखाने के कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है. अगले 11 दिन में आप ये जानने वाले हो कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना. नाउ आई वांट ईच वन ऑफ यू टू बी ऑन वीडियोस. ईशा, उत्सव,
Karan, Tanu, Priya. Okay. By the way, yeah, just get on videos. See, अगर आप जितना जल्दी आप लोग वीडियोस पाएंगे ना सभी, एक तो हम लोगों ने ध्यान रखना है, हम सभी लोग एक ही MIET से ही है ना. परफेक्ट. उत्सव इज सेइंग टू गेन नॉलेज, अरिजीत इज सेइंग टू गेन नॉलेज, सभी लोग MIET से हैं. तो जितना जल्दी हम लोग अपनी क्लास में, कहते ना कि अभी कोई आ रहा है चल के आ रहा है, फिजिकल क्लासेस में क्या होता है, 10 लोग बैठे होते हैं, फिर एक एक चल के आ रहा होता है, फिर 2 मिनट किसी को लगते हैं, 2 मिनट किसी के लगते हैं, 2 मिनट किसी के लगते हैं, इज इट लाइक दैट? तो क्या हम ये चाहेंगे कि कोई एक चल के आएगा, कोई एक VIP आएगा, फिर एक नॉन VIP आएगा, फिर कोई हंसेगा, कोई हेलो करेगा, क्या हाल है भाई, पीछे से आवाज आएगी कौन, अरे दैट्स हाउ हैपेंस इन द फिजिकल क्लासेस. और आप देखते हो अरे ये आवाज कहाँ से आई, क्या हुआ. तो डिजिटल में भी, ये वर्चुअल क्लासेस में भी हम लोग चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारी क्लासेस अवेलेबल हो और कंप्लीट. और आप अपने आप को म्यूट रखिए और वीडियोस को ऑन रखिए. दिशा मैडम यहाँ पे अवेलेबल हुई है, लेट मी चेक. ओके परफेक्ट. आप जितना जल्दी अपने वीडियोस को ऑन कर लेंगे, जितना जल्दी आप मुझसे कनेक्ट कर लेंगे, आई विल शो यू समथिंग वेरी वेरी यूनिक, समथिंग अमेजिंग. कुछ ऐसा आपको दिखाने वाला हूं कि आपके जो मतलब आगे के क्लासेस है ना, वो कुछ अलग ही जाने वाली है. अभी आप सभी लोग अपनी एज लिखेंगे इसमें चैट बॉक्स में, व्हाट्स योर एज. एज का मतलब नहीं, सभी को एज नहीं लिखवाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिससे. ओके, ऑन एन एवरेज सभी लोग यहाँ पे 20 होंगे ना, आई गेस अप्रोक्सीमेटली 20+. Approximately 20+ तो होंगे, right? तो अभी क्या हम इस बात को सेटिस्फाई कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 40 साल है पैसा बनाने के लिए इन योर लाइफ. कैन आई टेक 40 years फॉर यू अप्रोक्सीमेटली टोटल? ओके ओके परफेक्ट. ओके ओके, लेट मी शो यू समथिंग. पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, माय नेम इज डॉक्टर आशीष जुनेजा. सिंस 2007 आई एम इनटू टीचिंग एंड ट्रेनिंग. आई हैव टॉट विद डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स लाइक IIMS रुड़की, श्रीराम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी काशीपुर. आई हैव बीन द HR हेड विद पुजारा टेलीकॉम एंड ऑल्सो आई हैव बीन टीचिंग विद डिफरेंट कॉलेजेस. So I'm PhD in economics. मेरा economics में PhD है. I'm a freelance trainer also. I help students and others to get better in their lives. आप अपनी लाइफ में कैसे बेटर कर सकते हैं, एंड बिकॉज सक्सेस के दो रिजल्ट्स हैं. सक्सेस इज गिविंग यू पीस, मेंटल पीस, कम्फर्ट, एंड द थर्ड थिंग इज योर फाइनेंस. तो आज हम लोग जिस भी बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज ऑल अबाउट फाइनेंस. लेट्स लर्न अबाउट समथिंग. And this is about me. I hope that is sufficient enough. Anybody wants to know more about me? Is that okay enough to go ahead? Perfect. Isha, Utsav, मुझे बार बार कहना ना पड़े, videos on कर लीजिए. See everybody, get your videos on. And who is the class representative here? Video on करेगा? मुंह तो धोया तक नहीं है. कोई बात नहीं, चलेगा. मुंह नहीं धोया है, वीडियो पे चलेगा. कोई मुंह कोई चेक नहीं कर रहा है कि किसने मुंह धोया है किसने नहीं धोया है. मेरा भी नहीं पता चल रहा है कि मैंने मुंह धोया है नहीं धोया है. वीडियोस में पता नहीं लगता है, वो फिजिकल जब आप देखते हो ना तो ज्यादा पता लगता है ना. स्मेल आएगी आपकी, आपने DO लगाया है, आपने DO नहीं लगाया है, आपने मुंह धोया है, आपने मुंह नहीं धोया, कुछ पता नहीं लगेगा. द ओनली थिंग इज आपको वीडियोस पे अटेंटिव होना है, देखना है, सुनना है, बात करनी है. एंड बिलीव मी, ये 12-13 दिन आपके जो मेरे साथ जाने वाले हैं, दिस इज गोइंग टू बी रियल अमेजिंग. या तो आप करोड़पति बन जाएंगे, या फिर आप अपना डिस्ट्रीब्यूटर का एग्जाम पास कर लेंगे, या फिर नंबर 3 आप इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बन जाएंगे. अब आप बताइए, चैट बॉक्स में लिख भेजिए आपको क्या चाहिए इन तीनों में से. व्हाट डू यू वांट? या तो करोड़पति बन जाएंगे, नंबर 1 बन जाएंगे, मतलब एटलीस्ट प्रोसेस पता लग जाएगा. अभी मार्केट में ये भी तो नहीं पता ना. सी हाउ मेनी ऑफ यू नो द करोड़पति प्रोसेस? Type in the chat box if you know a करोड़पति प्रोसेस. ना वो बैंक में डाका डालने की बात नहीं कर रहा हूँ, बैंक लूटने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं. वो सबको पता होगा कि रात को बैंक लूटना है और काम हो जाएगा. नो, दैट्स नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके,
So I'm giving you three options. Option number one, crorepati. Number two, mutual fund distributor exam. Number three, the process to become crorepati and investments. One, two, three. जिसको वन चाहिए वो वन लिख दे, जिसको टू चाहिए वो टू लिख दे, जिसको वन टू थ्री चाहिए वन टू थ्री लिख दे. वन टू थ्री टुगेदर ऑल्सो यू कैन डू. परफेक्ट. ओके, गेट ऑन द कैमरा. करण, तनु, सिमरन, सुरेश, कल से मुझे कहना ना पड़े. सिमरन, श्रेष्ठा, हिमांशी एंड आयुषी, अश्मित, रिया, पुरु, हिमांशी, श्रेष्ठा, दीपक, निखिल, भव्य, प्रियांशु, स्मृति, मुस्कान, अभिषेक, पल्लवी, एंड देन यू हैव कार्तिक, एकता. परफेक्ट. चलिए एक छोटा सा जादू आपको दिखाता हूं मैं. कैन यू सी दिस स्क्रीन? ये स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है? यस सर. व्हाट इज द वैल्यू रिटन हियर? क्या वैल्यू लिखी है यहाँ पे? 2000 रुपीस मंथली इन्वेस्टमेंट. हाँ हाँ. And 15% expected return rate, 30-year time period. मैं छोटी सी. Okay. Okay. तो आप ये देख रहे हैं, आपकी एज आज 20 साल है, अगले 30 साल में आपको 40 years की भी जरूरत नहीं है. I can give you 1.5 CR. थोड़ा mute कर लीजिए. Okay, I need to mute everyone. जो mute all. आप खुद unmute भी कर सकते हैं. See, you can see one thing. आप, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर आज से ही, ये मंथ से ही, जब से हम लोग ये क्लास ले रहे हैं, आप मुझे कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे फॉर टू रीजंस. नंबर वन, योर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम, एंड नंबर टू, यू बिकमिंग अ करोड़पति. बस आपने ये दो, एक दो चीजों को मेरी याद रखना है जो क्लासेस में आज आपको मैं सिखाता हूँ 11 या 12 दिन. उसके अलावा ये बेसिक चीज, सिर्फ 2000 रुपए महीना एंड maybe into some stock market or something which we'll be discussing or something like that, or 30 years and you are here with this 1.5 CR. बहुत मुश्किल है. Now tell me, जो ये कहने वाला है कि ये बहुत मुश्किल है, कितना मुश्किल है ये? बहुत मुश्किल है students? हाँ जी friends, बताइए. बहुत मुश्किल है. अंशिता, ईशा, उत्सव, 2000 रुपए हर मंथ बहुत मुश्किल है आज के समय में? No sir. बट मैं गारंटी देता हूं आपको, कितने स्टूडेंट्स अभी 48 है ना, 48 में से सिर्फ इसमें से चार लोग इस बात को कर पाएंगे. चार भी नहीं करेंगे, 4% ओनली. व्हाट इज 4% ऑफ 48? ये पूरी क्लास बीटेक की है? आप सभी लोग बीटेक की क्लास है? कौन सी क्लास है ये? बीएससी है. ओके, सो बीएससी है तो कैलकुलेशन तो करते ही होगा ना. मैथ्स तो है ही आपकी, बीएससी मैथ्स, तो 4% निकाल के बताइए मुझे 50 का 4 राइट. MBA भी है. ओके ओके, MBA भी है यहाँ पे. ओके, गॉट इट. 50 का 4%, दो लोग, टू. एंड दिस इज माय गारंटी, यहाँ पे जितने 50 स्टूडेंट्स है ना, 50 में से सिर्फ दो लोग ऐसे होंगे इस क्लास में जो इसको पूरा फॉलो करेंगे. बिकॉज हम लोग क्या होते हैं कि हम लोग ना मुश्किल मुश्किल चीजें ढूंढते रहते हैं और आसान चीजें नहीं कर पाते हैं. हमें लगता है कि आसान चीजों में कुछ नहीं है. हमें लगता है कि अरे ये तो बेकार की बात है, तो सिंपल सी बात है, इतनी सिंपल बात तो कोई भी कर लेगा. टू बी ऑनेस्ट, कोई नहीं कर पाता है, बिकॉज इतना सिंपल है ये. इतना सिंपल, चीजें बहुत सिंपल होती हैं और आप नहीं कर पाते हो. मैनी, आई कैन गारंटी यू, आउट ऑफ 53 स्टूडेंट्स, ओनली 2 to 3 स्टूडेंट्स विल डू इट 2000 रुपीज पर मंथ विदाउट टचिंग. होल लाइफ ऐसा करेंगे तो होल लाइफ की जरूरत ही नहीं है. 30 साल, 50 साल के आप हो जाओगे 30 साल बाद. The moment you are 50, you will be having 1.5 CR. और इससे ज्यादा ही बनेगा, कम नहीं बनेगा. Maybe 2 CR. But believe me, you will not do it. So who is committing? Who is committing? By the way, are you getting something in the class today? अभी तो शुरुआत हुई है. अभी तक करोड़पति बनना चालू किया. एग्जाम तो हम पास कर ही लेंगे. एग्जाम बड़ा बेसिक है, एग्जाम की कोई बात नहीं है. बात है यहाँ पे इन्वेस्टर एजुकेशन की. बात यह है कि जब हम खुद कर लेंगे तो हम अपने साथ वाले को भी करोड़पति बना देंगे. जब हम खुद क्लैरिटी उस डोमेन में ले आएंगे या उस वैल्यू को इन्वेस्ट करते रहेंगे तो आगे भी पहुंच जाएंगे. बट इट इज रियली टफ, और जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी थिंग्स विल गो. Now let's move on to the basics of this. ये मैंने आपको बहुत basic बात बताई. Let's move on to the next level of the basics of the mutual fund distributor exam. So your mutual fund distributor exam, who is getting excited for the class today?
कौन कौन एक्साइटेड है आज की क्लास के लिए आगे? यस टेल मी हु इज रियल एक्साइटेड फॉर दी क्लास. Okay, so who is excited for the class? Just give me a second. Okay, fine. Everybody can see me, watch me, hear me. Perfect. So Puru Garg Utsav Jain has raised. Okay. So okay, perfect. So everybody is excited. Himanshi is excited. Puru is excited. Super, amazing. Thank you. Okay, everyone is excited. Wow. Okay. Thank you, Shivani Gaurav. Okay. Thank you. Okay. Perfect. Let's move ahead. So let's talk about one very important thing in this class today. Ye hamara next. This is the mutual fund distributor exam. This exam will consist of 100 questions of 1 mark and has to be completed in 2 hours. ये आपको 2 घंटे में complete करना होगा. हम सबका objective यहाँ पे mutual fund distributor exam को pass करना है. ये पहले रख ले. बाकी next is you being a crorepati or you being the somebody that is will be taken care of. But as of now, we are just focusing on you being qualifying the exam. ठीक है कि आप सभी लोग यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करें. परफेक्ट. टाइप योर परसेंटेज जो आप अपने एग्जाम में स्कोर करेंगे. जो भी आप एग्जाम में स्कोर करेंगे आप यहाँ पे परसेंटेज लिख दीजिए अपनी चैट बॉक्स में. एवरीवन द परसेंटेज दैट यू विल स्कोर 100. दीपक इज सेइंग 100. ओके कीप राइटिंग. सी ये लिखने से पता क्या होता है, एक तो ना तो मुझे याद रहेगा ना आपको याद रहेगा ना किसी को याद रहेगा, लेकिन आपको याद रहेगा. जो लिखेगा ना उसको याद रहेगा कि उसको क्या स्कोर करना है, उसको अपना टारगेट मिलेगा. अर्जित 99, नेहा रिया 100, वंश 80 प्लस, प्रियंका 90 प्लस, गौरव 75 प्लस, शिवी 100, गरिमा 100, कार्तिक 100, प्रियांशु 90, सुरेश 75%, ओके 85, 90, विवेक ओके, ईशा 90 प्लस, अंशिता 95. एनोटेशन नहीं करिए हिमांशी, डोंट डू एनोटेशन, रिमूव दिस. Remove from the screen Himanshi, जो भी annotation आपने किया है. Rohan 95, Utsav 95, Harsh 100, Arushi 80 plus, Ayushi 90 plus, very good, यही score आएगा. Karan 90 plus, Shivani 80 plus, Shrestha 95 plus, Hriday 100, Arpit 95, Abhishek 90 plus, Mansi 90 plus, Simran 80 plus, Muskan will give the best. Muskan marks दे दीजिए, best तो सभी देंगे, best तो हम लोग सभी हैं. पुरु 80 प्लस, सिमरन 100. एक ये एक एनोटेशन बंद कर दीजिए, जस्ट रिमूव एनोटेशन फ्रॉम द स्क्रीन. क्लियर करना पड़ेगा मुझे, क्लियर ऑल ड्राइंग्स. ओके डोंट डू दिस. ये मैं कर लूँ तो ठीक है, आप लोग मत कीजिए एनोटेशन. निखिल 85, भव्या 90 प्लस, मुस्कान 85, अदिति 90. परफेक्ट. सो अभी सभी लोग सेट हैं. दिस इज व्हाट इज वेरी गुड, दैट्स अमेजिंग. तो अभी हम लोग सब लोग सेट हैं, राइट. एवरीबडी कैन सी द स्क्रीन, यू कैन जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स इफ यू कैन सी द स्क्रीन. दिस इज हाउ एवरी डे विल बी रनिंग एंड विल बी रनिंग फास्ट. सो परफेक्ट, स्क्रीन सबको दिख रही है. परफेक्ट. ओके वाओ, थैंक यू. सो नाउ चैप्टर 1 हमारा क्या है? सी दीज आर द चैप्टर्स दैट वी विल बी कवरिंग. और हमारे को हर रोज एक चैप्टर कवर करना है. फर्स्ट चैप्टर इज इन्वेस्टमेंट. आज आप यहाँ पे समझेंगे इन्वेस्टमेंट क्या होता है. चैप्टर 2 में हम लोग समझेंगे म्यूचुअल फंड का क्या रोल है मार्केट में और इसका कॉन्सेप्ट क्या है. चैप्टर 3 है लीगल स्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड्स का. चैप्टर 4 है लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. देन चैप्टर 5 है स्कीम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, स्कीम से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन है. और चैप्टर 6 है फंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने वाले हैं तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या क्या है. चैप्टर 7 है नेट एसेट वैल्यू, एनएवी, एक्सपेंस रेशियो, ये शब्द होते हैं म्यूचुअल फंड में, ये क्या होते हैं. चैप्टर 8 आपका टैक्सेशन आएगा. चैप्टर 9 इन्वेस्टर ऑब्जेक्टिव सर्विसेज, इन्वेस्टर की क्या क्या सर्विसेज आपको देनी पड़ती हैं. चैप्टर 10 आएगा रिस्क रिटर्न. स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करना है, लाइक जस्ट लेट मी नो इफ दिस इज, इफ नाउ इट इज बेटर, इज इट बेटर नाउ.
Is it better now? Just type in the chat box. If it is better, type B for better. Okay. By the way, okay. By the way, who is getting excited? Type excited. If you are getting excited to learn, type excited or type excited. Agar aap excited hain, to type excited. Perfect, perfect, perfect. Thank you. I'll tell you one thing. देखिए स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि मैं एक कैमरे से बात कर रहा हूँ कैन यू अंडरस्टैंड आप मेरे सामने फिजिकल तो नहीं बैठे हो तो मेरे को कैसे पता लगेगा कि आप सब लोग यहाँ पे कनेक्टेड है और एवरीबडी इज गेटिंग समथिंग आउट ऑफ दिस मुझे कैसे पता लगेगा टेल मी हाउ विल आई नो दैट ईच वन ऑफ यू इज गेटिंग कनेक्टेड और यहाँ पे सभी लोग एक्साइटेड है और सब लोगों को समझ में आ रहा है सॉरी थ्रू कैमरा कैमरे आपके एक दो मेथड है मेरे को आपके समझने के लिए एक तो आपका समझ में आएगा मुझे आपके कैमरे के थ्रू और दूसरा मुझे समझ में आएगा आपके चैट रिस्पॉन्सेस के थ्रू और आई होप सी मैं क्लास को बिल्कुल बोरिंग नहीं कर रहा कोई बोरिंग नजर आपको अभी तक कुछ टीचर का या प्रोफेसर सी इवन दो मेरे आगे डॉक्टर लिखा है कुछ आपको कुछ बोरिंग नजर आया अभी तक कुछ लेक्चर बाजी समझ में आई कि लेक्चर चल रहा है एंड देन इट्स ऑलमोस्ट लाइक अरे ये मत करो दैट्स हाउ व्हेन इट इज लाइक बीइंग द क्लास कीप क्वाइट डोंट डू दिस फिजिकल दिस इज फिजिकल क्लास माय ओनली रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू इज सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट आप लोगों से दो आपने इस क्लास का रूल है सी कोच के कुछ आई एम योर कोच फॉर नेक्स्ट 11 डेज और 12 डेज आई एम योर कोच तो मैं आपका जब कोच हूं ना तो 11 या 12 दिन आपने क्या करना है जो कोच बोले वो करना है हु इज रेडी Type I. अगर आप 11 या 12 दिन जो भी कोच बोले वो करोगे तो टाइप आई बिकॉज अगर आपने वो कर लिया ना 12 डेज नेक्स्ट 12 डेज आपने वो कर लिया जो मैं बोलता हूँ तीन चीजें एक साथ हो जाएंगी पहला तो आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्जाम अच्छे स्कोर से पास करेंगे मे बी 80 प्लस 90 प्लस और 70 प्लस वट एवर इट इज जो जो आपका डिसीजन है नंबर वन नंबर टू आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में पता लग जाएगा यहाँ पे बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनको कल मैरिज होके अपना घर संभालना है अगर आज उनको ये सब समझ में आ जाता है और आपकी पैसिव इनकम डेवलप हो जाती है आपकी एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी डेवलप हो जाती है आप कुछ भी करें लाइफ में आप जॉब करें बिजनेस करें कुछ भी करें बट आपको एक नया स्किल आ जाता है सी पैसा कमाना एक स्किल है बट पैसे का जो मैनेजमेंट है दैट इज डिफरेंट स्किल लोग 1 लाख रुपए तनख्वाह अचीव करने के बाद भी नहीं मंथ के एंड में 2000 रुपए नहीं होते लोगों के पास 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह होती है मंथ के एंड में 2000 रुपए नहीं बचते और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है और होगा व्हाई क्योंकि जब 1 लाख रुपए तनख्वाह आती है आईफोन आता है एलईडी टीवी आती है कार की ईएमआई आती है हाउस आता है हाउस की ईएमआई आती है फिर उसके अलावा कुछ आपको अगर अपने किसी फ्रेंड को कुछ देना हो अगर आपकी शादी नहीं हुई तो गर्लफ्रेंड के लिए कुछ आता है बॉयफ्रेंड के लिए कुछ आता है फैमिली के लिए कुछ आता है एक्सटेंडेड फैमिली के लिए कुछ आता है और बस कुछ आता है और आता है और आता है यानी कि क्या हो रहा होता है एक तरफ से 1 लाख रुपए आ रहे होते हैं और एक तरफ से 1,10,000 रुपए जा रहे होते हैं और 10,000 रुपए 1 लाख रुपए की इनकम के बाद भी आप क्या करते हो 10,000 रुपए अपने किसी फ्रेंड से मांगते हो यार भाई जब नेक्स्ट सैलरी आएगी ना तब वापस कर दूंगा तेरे को या तब वापस कर दूंगी और जब फैमिली हो जाती है एंड दैट्स हाउ यू डू एंड दैट्स हाउ एवरीवन डू अगर आप इस चीज से बचना चाहते हो रिमेन इन द क्लास फॉर नेक्स्ट 12 डेज जो कोच बोले वही करना अगर कोच बोल रहा है कैमरा ओपन करके रखो कैमरा ओपन करके रखो बिकॉज कैमरा ओपन करोगे तो मुझे दिखेगा उत्सव मेरी क्लास में है अंशिता मेरी क्लास में ईशा मेरी क्लास में है नेहा क्लास में है कौशल क्लास में विवेक क्लास में है शिवी क्लास में है श्रेष्ठा क्लास में आरुषि क्लास में आपको पता है सबसे अच्छी चीज दुनिया में आपको आदमी को क्या लगती है आदमी यहाँ पे देखिए मैं आदमी वर्ड का यूज कर रहा हूँ बट यहाँ पे आदमी का मतलब यहाँ पे फीमेल भी है ह्यूमन आदमी शब्द यूज किया जाता है ह्यूमन के लिए एक ह्यूमन के लिए सबसे अच्छा शब्द पता क्या होता है बताइए कोई बताएगा चैट बॉक्स में एक ह्यूमन के लिए सबसे प्यारा शब्द क्या होता है बताइए चैट बॉक्स में लिखिए या बोल के बताइए सर कॉन्फिडेंस ओके सिमरन आप वीडियो ऑन करो सिमरन ओके सिमरन थेनवाल ने बोला थनीवाल ने बोला था ना सिमरन वीडियो ऑन करो सिमरन थनीवाल यस ओके थैंक यू
जब मैंने सिमरन बोला, सिमरन थनीवाल बोला, कैसा लगा आपको? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा लगा ना, वेरी गुड, थैंक यू। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं, अगर आपका वीडियोस ऑन होगा ना तो मुझे पता है कि कौन क्लास में है, और मैं आपका सबसे प्यारी चीज दूंगा आपको। क्या है आपकी सबसे प्यारी चीज? नाम। आपका नाम, और वो कब आएगा? जब मेरा कैमरा ऑन होगा। जब कैमरा ऑन होगा, क्योंकि जो कैमरा ऑफ करके बैठा है मुझे क्या पता है कि वॉशरूम में बैठा है, वॉशरूम में बैठ के क्लास अटेंड कर रहा है, मुझे क्या पता, छत पे गया हुआ है कहीं पे कैमरा ऑन ऑफ करके, कुछ भी, मतलब मुझे आई डोंट नो वेयर यू आर। कैमरा ऑन है तो मुझे पता है कि ओके एवरीबॉडी इज हियर। लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, लेट्स मूव अहेड नाउ। थैंक यू एवरीवन। सो हम लोग चैप्टर 10 की बात कर रहे थे। चैप्टर 10 इज अबाउट रिस्क रिटर्न एंड परफॉर्मेंस ऑफ फंड्स। फिर 11 में हम लोग म्यूचुअल फंड स्कीम की बात करेंगे। चैप्टर 12 में म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्शन की बात करेंगे, एंड दैट्स इट। 12 दिन एंड इट्स ऑल डन। डन टाइप 12 इफ यू आर देयर विद मी फॉर द नेक्स्ट 12 डेज। टाइप 12 परफेक्ट। 12 दिन में हम लोग आपका एग्जाम पास करा देंगे, मेरी गारंटी है। इट्स माई गारंटी दैट यू विल क्वालिफाई द एग्जाम, प्रोवाइडेड हम लोग जो कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं वो आप सुने, उसको सुने, समझें, एक्सेप्ट करें, एंड देन दैट्स इट। और ये जो मैं आपको ये बुक का लिंक भी दे दूंगा, आप इसको जाके कवर अप भी कर सकते हैं, या नोट्स आपको मैं पूरा टाइम बाद अवेलेबल करा दूंगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। हम लोग इन्वेस्टमेंट्स की बात क्यों करते हैं? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल गोल्स। सी, गोल्स कितने टाइप के होते हैं? गोल्स आर बेसिकली फॉर डिफरेंट रीजंस। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं गोल्स की। जब हम गोल्स की बात कर रहे हैं, सी वन थिंग, टेल मी वन थिंग, डू यू वांट मी टू हैव दैट ऑन द स्क्रीन? मैं वो स्क्रीन पे रखूं जो इमेज है उसके साथ साथ बोलूं, या फिर मैं आपको समझाता रहूं? व्हाट इज बेटर फॉर यू? डॉक्यूमेंट स्क्रीन पे होना चाहिए और मुझे समझाते हुए होना चाहिए, या खाली मैं समझाऊं आपको? व्हाट इज बेटर फॉर यू? किसमें आपको ज्यादा मजा आएगा? सर आप ही समझा दीजिए। ओके ठीक है, डॉक्यूमेंट स्क्रीन पे। ओके परफेक्ट। सो डॉक्यूमेंट स्क्रीन पे रखते हैं और मुझे भी स्क्रीन पे रखते हैं, राइट? सो द फर्स्ट पॉइंट इज योर फाइनेंशियल गोल। सी व्हाट आर योर फाइनेंशियल गोल्स? जैसे आप एग्जाम, मैंने आपसे देखी, आपने सबसे पहले, अगर आपने मुझे एक चीज देखी होगी, मैंने आपसे सबसे पहले आपके गोल पूछे। हमें क्लास को हमने ज्वाइन किया तो हमने क्यों आप पूछा गोल? क्योंकि हर चीज को जो भी आप कर रहे हो उसमें गोल होता है। यहाँ पे हम ये जो इसको 12 डेज की जो हम क्लास लेने वाले हैं, इसका गोल है क्या है? म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम। इसी तरीके से जो भी फाइनेंस, और ये सारा फाइनेंस जब आप किसी का मैनेज करेंगे या खुद का मैनेज करेंगे अपनी लाइफ में, इन्वेस्टमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट करता आदमी किस लिए? गोल्स के लिए। और गोल्स कितने टाइप के होते हैं? गोल्स कई तरीके के होते हैं, ठीक है। गोल्स आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली मेंबर के लिए हो सकता है, आपकी शादी के लिए हो सकता है, आपकी एजुकेशन के लिए हो सकता है, एक्सीडेंट, हॉस्पिटलाइजेशन, डिफरेंट चीजों के लिए हो सकता है। एक्सपेक्टेड गोल्स हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड गोल्स हो सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में कई सारे गोल्स बनाने पड़ते हैं हमें, जिसमें हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल, मीडियम टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, राइट? शॉर्ट टर्म गोल सबसे पहला आता है, इमीडिएट गोल, देन शॉर्ट टर्म गोल, देन मीडियम टर्म गोल, और देन फिर लॉन्ग टर्म गोल। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं, जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ ना, बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि और लिखना हो तो लिख लीजिए। क्योंकि एक चीज और है, जब आप क्लास, आपने पहले भी देखा होगा, जो भी क्लास आपने एग्जाम दिया है, अगर उसकी अगर आप क्लास में रहे, किताबें तो मार्केट में बहुत अवेलेबल है, बुक सेलर आईएएस बन गया होता, पता है आपको? बुक सेलर कभी आईएएस नहीं बनता, आईएएस ही आईएएस बनता है, जो बच्चा तैयारी करता है वही आईएएस बनता है, बुक सेलर आईएएस नहीं बनता। क्यों? राइट या राइट? सच बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं? सच के सच। ओके सो हम में से कोई भी बुक सेलर नहीं है, राइट? ना ही बुक कीपर है। हम लोग सभी क्या हैं? क्लास को अटेंड करने वाले हैं, समझने वाले हैं, और एग्जाम को पास करने वाले हैं। अगर मेरी ये गारंटी है कि अगर आप क्लास में 12 दिन रहे और जो बोलता गया उसे सुनते गए, सिर्फ सुनते गए, मान लेते हैं आपने लिखा भी नहीं, लिखते हो तो सोने पे सुहागा, नहीं लिखते हो तो भी सोने पे सुहागा, लिखते हो तो बेस्ट रहेगा, नहीं लिखते हो तो भी ठीक रहेगा, बट लिखना ज्यादा बेस्ट है। तो फाइनेंशियल गोल हमारे पास हमारे रहेंगे। तो मैंने जैसा आपको बताया, फाइनेंशियल गोल कैसे हो सकते हैं? फाइनेंशियल गोल और गोल्स बेसिकली आपके दो टाइप के हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल में हमारा क्या हो सकता है? शॉर्ट टर्म गोल का एग्जांपल,
शॉर्ट टर्म गोल का एग्जांपल आपका हो सकता है कि इमीडिएटली जैसे आपने ये अपने एक महीने बाद, जैसे यहाँ पे तीन दिख रहे हैं हमें, इमीडिएट टर्म, नियर टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म. कोई एग्जांपल देगा मुझे इमीडिएट गोल के नियर टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म? मैं स्क्रीन को ऑफ कर देता हूँ. इमीडिएट गोल का कोई एग्जांपल दे दीजिए चैट बॉक्स में, ये अनम्यूट करके. सबसे अच्छा है कि आप अनम्यूट कर दीजिए, आप बोलिए वीडियो पे. इमीडिएट गोल, कोई इमीडिएट गोल का एग्जांपल. इमीडिएट गोल ले लेते हैं, मान लेते हैं आपको 20,000 का कोई फोन खरीदना है, 15,000 का कोई फोन खरीदना है, वो इमीडिएट गोल है, राइट? शॉर्ट, ठीक है. उसका नेक्स्ट कौन सा गोल है हमारे पास? नेक्स्ट गोल आपके पास हो सकता है नियर टर्म, यानी कि आप जिसे आप 6 महीने में या 1 साल में देख रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आप कोई आप 55 इंच LED लेना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लोज टू 1 लाख रुपीज. मीडियम टर्म गोल हो सकता है आपका. सी यहाँ पे पैसा जो मैं ले रहा हूँ इसका टाइम फ्रेम से मतलब, और पैसे से, पैसे का मतलब यह कि थोड़ा बड़ा होता जाएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा. मीडियम टर्म हो सकता है आपका 5 या 6 लाख रुपए का, मे बी आपकी कार अगले नेक्स्ट 5 ईयर्स में. और लॉन्ग टर्म हो सकता है 20 ईयर्स गोल, जिसे आप रिटायरमेंट गोल हो सकता है आपका, रिटायरमेंट कॉर्पस हो सकता है, या फिर आपका फंड हो सकता है. जैसे अभी हम लोगों ने हमारा वो जो गोल था जो हमने क्लास शुरू करने से पहले देखा था, जिसे हमने 1.5 CR का गोल बनाया था, वो कैसा गोल था, वो कौन सा गोल था, कोई बोल के बताइए वो कौन सा गोल था? That's a long term turn. Perfect, perfect, perfect. वो long term था, हमने 30 years के लिए लिया था. तो अगर कोई गोल हम 6 महीने के लिए ले रहे हैं, तो अभी देखिए टाइम फ्रेम के हिसाब से समझते हैं उन गोल्स को. कोई गोल हम लोग 1 महीने 2 महीने के लिए ले रहे हैं, तो वो क्या हो गया हमारा? इमीडिएट गोल है, तुरंत चाहिए, अभी तुरंत करना है. तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो गोल है आपका, एक मिनट, ये म्यूट करना पड़ेगा, किसकी वॉइस आ रही है. ओके, कर दिया मैंने म्यूट. सो इमीडिएट गोल कैसा है? क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है. यस, बहुत इंपॉर्टेंट है. यहां पे ड्रीम्स हैं, कम है. नियर टर्म गोल कैसा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी और नीड्स इंपॉर्टेंट है. यस, ड्रीम्स बड़े हैं. सबसे ज्यादा ड्रीम्स अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ड्रीम्स आपके लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म गोल में होंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका मीडियम टर्म में आपकी कार हो सकती है, आपका लॉन्ग टर्म में आपका हाउस हो सकता है, आपकी रिटायरमेंट कॉर्पस हो सकता है, या जैसे हमने कोई 30 साल बाद आपका हम लोगों ने जो कॉर्पस बनाया. इसको अब मैं क्लियर कर देता हूं. नाउ ओके, नाउ लेट्स मूव इट. सो फाइनेंशियल गोल्स टाइम होराइजन और इन्फ्लेशन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है. अब यहाँ पे टाइम होराइजन और इन्फ्लेशन की बात करते हैं. अब यहाँ पे इन्फ्लेशन का क्या मतलब है? यहाँ पे इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन बोलते हैं महंगाई. अगर हम यहाँ पे देखें, देखिए यहाँ पे हमने देखा होगा कि एक चीज और मान लेते हैं, लगभग महंगाई इसी रेट की है ना, लगभग, राइट? मान लेते हैं आपने कोई अभी 30,000 रुपए जोड़े और उस पे आपने 30 इयर्स के लिए जोड़े, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया आपका? टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया आपका 30 इयर्स के लिए? एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है तो 30,000 ही है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है. ये 8.5% अगर हम कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन है, महंगाई से बढ़ रहा है 30 साल के लिए, तो आज के लगाए हुए 30,000 रुपए आपके पास क्या बन जाएंगे? 3,46,748 रुपीज, राइट? राइट और राइट? राइट, मुझे लिख के बताइए या वीडियो पे बताइए. आपने 30,000 इन्वेस्ट करे आज कहीं पे और 8.5% रेट ऑफ रिटर्न है, 8.5%, और तो ये पैसे कितने बन जाएंगे 30 साल में? 3,46,748 रुपीज. लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे मान लेते हैं महंगाई भी 8.5% है, यानी कि चीजें महंगी होती जा रही है 8.5% के हिसाब से. तो मेरे को आप बताइए कि आपकी इनकम कितनी है?
इनकम कितनी है आपकी? इसको चार्जर देना। आपने यहाँ पे आपने 30,000 रुपए जोड़े। एक मिनट म्यूट करता हूँ। एक मिनट नहीं दिखाई नहीं दे रहा है तुझे? ऑफ कर दिया मैंने। देखिए यहाँ पे मैं समझाना चाहूंगा कि 30,000 रुपीज अगर आज आपने लगाए और 8.5% आपको हर साल मिल रहे हैं, 30 साल में आपके बनेंगे 3,46,748 रुपीज। लेकिन साथ ही साथ अगर 8.5% ही महंगाई बढ़ रही है हर साल, तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या रह गई? भले ही आपके पास 3,46,000 रुपीज बन गए, बट वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है? जीरो। क्योंकि महंगाई भी तो बढ़ रही है ना, 8.5% का इन्फ्लेशन भी तो है। ये बात समझ में आई नहीं आई? मान लेते हैं आपके पास 100 रुपए हैं, ऐसे समझते हैं आपके पास आज 100 रुपीज हैं और 10% मैं कहता हूं कि आपको हर साल मिलेंगे, तो अगले साल आपको कितने पैसे मिलेंगे? 110 रुपए। और महंगाई कितनी है? 8.5 रुपए, 8.5%, 8.5%। तो आपकी रियल इनकम कितनी है? 110 - 108.5 यानी कि 1.5 रुपीज ओनली, यानी कि आपने अगले साल कितना कमाया? आपकी रियल इनकम, आपकी जो ग्रोथ आएगी वो कितनी है? 1.5% बस। राइट ये सब क्लियर हो गया सबको? किसी को कोई दिक्कत इसको समझने में? कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब जब भी आप कोई फाइनेंशियल, किसी को नहीं समझ में आया तो वो हैंड रेज कर सकता है और पूछ सकता है। नहीं समझ में आया हो तो यू कैन रेज योर हैंड एंड कैन आस्क। परफेक्ट, सबको आ गया आई गेस। ओके, तो हमें इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, इन्फ्लेशन क्या है? कंटिन्यूअस, इसको इकोनॉमिक्स में बोलते हैं कंटिन्यूअस राइज इन प्राइसेस, लगातार कीमतों का बढ़ता हुआ स्तर। जब कीमतें लगातार बढ़ती हैं, क्योंकि पैसे के साथ साथ आपको एक तरफ तो लगता है कि अरे अरे वाह, बैंक में पैसे रखती हूँ, 5.5% दे रहे हैं मुझे, अरे वाह बड़ा मजा आ गया, 1,00,000 रुपए रखे थे बैंक में, 1,05,000 रुपए हो गए। लेकिन बाद में मार्केट में पता लगता है कि 8.5% के हिसाब से हर चीज बढ़ गई है। आप जो कपड़े लेने जाते थे, जो आपकी लेट्स से जो शर्ट आपकी पहले 300 रुपीज की आती थी, उसमें 8% और बढ़ गया है, 10% वो 330 की हो गई है। आप जो भी कोई अपने जो भी आप अपने घर का सामान ले, दाल लेने जाती थी, आज 80 रुपीज की जो दाल है वो 88 रुपीज हो गए। ऐसा देख रहे हो कि दालें बढ़ रही है? दालों के रेट बढ़े नहीं, बढ़े हैं पहले से पिछले 5-6 सालों में, या वही है, या वही 40 रुपए किलो दाल है, 50 रुपए किलो दाल है? दाल का रेट क्या है लगभग अंदाजन कितना है दाल का रेट? कोई लड़की या कोई यहाँ पे खरीदता हो तो 120 40-50 रुपीज। मैं आपको बताऊं, पिछले 10 साल पहले अगर आप चेक करेंगे दाल का रेट, तो 50-60 रुपए किलो चना ये सारी दाल होती थी पिछले 10 साल पहले। और नेट पे आप चेक भी कर लेना इस बात को, अगर मेरी बात पे आपको यकीन ना हो तो आप नेट पे चेक भी कर लेना। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है? आप तो सोच रहे हो कि आपका सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है। और महंगाई क्या कर रही है? आपकी जो कमाई है, जो इन्वेस्टमेंट है, उसको कम कर रही है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर किसी ने ये गोल बनाया, मान लेते हैं शालिनी की एजुकेशन है, उसने 50 लाख का गोल बनाया कि 10 साल बाद उसे कॉलेज जाना है, और इन्फ्लेशन है, कॉलेज फीस है, तो इसमें इसको क्या कवर करना होगा? इन्फ्लेशन को भी कवर करना पड़ेगा। इसे ये भी देखना पड़ेगा कि चीजें किस हिसाब से बढ़ रही हैं, क्योंकि आज जो 50 लाख रुपए फीस उसकी लगने वाली है, एक रूल ऑफ 72 होता है, उसे सिंपल बताता हूं मैं आपको। अगर आप उसे 9 से डिवाइड करते हैं ना, तो पता लग जाता है कितने साल में पैसा डबल हो जाएगा। 9×8=72, जैसे तो ऑलमोस्ट 8 ईयर्स में पैसा डबल हो जाता है रूल ऑफ 72 के हिसाब से। यानी कि अगर आप कोई चीज अगर आज 10,000 रुपए की है ना, तो अगले 8 साल में वो रूल ऑफ 72 के हिसाब से 8 या 9 साल में वो रेट डबल हो जाएगा उसका। तो यहाँ आगे चलते हैं हम, तो आपने इन्फ्लेशन को भी कवर अप करना है। तो सेविंग या इन्वेस्टमेंट, दो शब्द हैं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, क्या ये दोनों सेम चीजें हैं या दोनों अलग अलग हैं? अब जब हमें इवेल्युएट करना है इन्वेस्टमेंट को, देखिए सेविंग क्या होती है, दोनों में अलग बात है। सेविंग इज आपकी इनकम है मान लेते हैं 10,000 और आपका खर्चा है 8,000 रुपए। जब आपकी इनकम 10,000 है और आपका 8,000 रुपए खर्चा है, तो आपकी सेविंग कितनी है? 2,000 रुपए। अब आप इन्वेस्टमेंट इसमें से कितना कर रहे हो? 2,000 रुपए में से मान लेते हो 1,000 रुपए। तो क्या सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर है? क्या सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट? नो। सेविंग में से जो पोर्शन आप कहीं पे छोड़ देते हो बढ़ने के लिए, मे बी आप बैंक अकाउंट में छोड़ देते हो, मे बी आप स्टॉक मार्केट में जब शेयर्स में या म्यूचुअल फंड में छोड़ देते हो, बेसिकली म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, जिस पैसे को आप बढ़ने के लिए छोड़ देते हो उसको हम क्या बोलते हैं?
इन्वेस्टमेंट, राइट। तो सेविंग क्या है, इन्वेस्टमेंट आता कहां से है, सेविंग से, बट सेविंग इज नॉट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। लेट्स मूव अहेड। जब हम अगली बात करते हैं, अब हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी इन्वेस्टमेंट करें कौन सी इन्वेस्टमेंट ना करें। इन्वेस्टमेंट करने में हमारे को ये पॉइंट्स को कवर करना पड़ता है। सबसे पहला है सेफ्टी। देखिए सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट कोई बताइए मुझे, सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट बताइए कोई मुझे, व्हाट इज द मोस्ट सेफ इन्वेस्टमेंट। एफडी, परफेक्ट। एफडी इज द मोस्ट सेफेस्ट, या बैंक अकाउंट में आप रख दीजिए, एफडी भी छोड़ दीजिए, अपने बैंक अकाउंट में जो बैंक वाले 4% 5% देंगे वो आपका सेफेस्ट है। बैंक में से तो आपका पैसा कहीं नहीं निकल रहा, ठीक है। तो आपने क्या करा, म्यूट कर दिए, देयर इज अ साउंड, ओके नाउ इट इज म्यूटेड। तो आपका पैसा बैंक में सबसे ज्यादा सिक्योर है, एफडी में 8% का रिटर्न आया। सो आपने क्या देखना है, इन्वेस्टमेंट जब आप देखते हो तो इन्वेस्टमेंट में ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ता है। पहला है सेफ्टी, कितनी सेफ्टी है। जैसे सबसे कम सेफ हुआ आपका, मतलब सबसे ज्यादा सेफ हुआ आपका बैंक, फिर एफडी, फिर उसके बाद आपका आ गया पीपीएफ, और उसके अलावा आपका हो गया बॉन्ड्स, ये सारी शब्दों के बारे में आपको बताऊंगा मैं। उसके अलावा फिर आपके म्यूचुअल फंड्स, और फिर आपका डायरेक्ट स्टॉक्स, और इवन आपका गोल्ड भी एक इन्वेस्टमेंट है, रियल एस्टेट भी एक इन्वेस्टमेंट है। तो सब में हम क्या देखते हैं, इन्वेस्टमेंट किस पर डिपेंड करता है, ये सारे फैक्टर्स पे। पहला पॉइंट क्या है, सेफ्टी। नंबर टू, लिक्विडिटी। व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि एबिलिटी ऑफ द एसेट टू बी कन्वर्टेड टू मनी, कितनी जल्दी कोई एसेट पैसे में कन्वर्ट किया जा सकता है। द मोस्ट लिक्विड एसेट क्या है, सबसे ज्यादा लिक्विड क्या चीज है, कैश। कैश से ज्यादा लिक्विड दुनिया में कोई चीज नहीं है। आपका जो गोल्ड है, जो आपका सोना है, रियल एस्टेट है, आपकी प्रॉपर्टी है, हर चीज की एक लिक्विडिटी है। आज आप अपनी जमीन बेचेंगे, मकान बेचेंगे, घर बेचेंगे, वो भी लिक्विड, उसमें भी लिक्विडिटी है। आपका सोना है उसमें भी लिक्विडिटी है, आपके शेयर्स हैं उसमें भी लिक्विडिटी है, लेकिन सबसे ज्यादा लिक्विड है आपका कैश, कैश इन हैंड। बाय द वे, कोई बोर तो नहीं हो रहा है, वाज गेटिंग बोर्ड, कोई बोर है, चैन से सोना है तो जाग जाओ, कोई बोर तो नहीं हो रहा है, परफेक्ट। सी देखो मैं आपको बता रहा हूं, आप या तो तीनों चीज अचीव कर सकते हैं क्लासेस में, या तो आप करोड़पति बन जाएंगे, या फिर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्जाम पास कर लेंगे, या फिर करोड़पति के रास्ते पे आप चल पड़ेंगे, और हो सकता है तीनों कर लेंगे। तीनों करने के लिए करना क्या होगा, 12 दिन सिर्फ कोच को सुनना होगा। कोच कहे दिन है तो दिन, कोच कहे रात है तो रात, दैट्स इट। बस 12 दिन के बाद बाय बाय, एंड यू ऑल आर इनटू, यू ऑल आर करोड़पति। आई टेल यू दोस आइडियाज, दोस फंडास जो आपको एग्जाम भी पास कराएगा और करोड़पति भी बनाएगा, और आपको बिल्कुल अलग कर देगा अदर देन दी अदर्स मार्केट में। और बच्चे जब आईफोन खरीद रहे होंगे 70,000 रुपए का, 1,00,000 रुपए की तनख्वाह पे हर महीने आईफोन बदल रहे हैं, क्यों, फ्लिपकार्ट पे स्कीम आई हुई है, अमेजोन पे स्कीम आई हुई है, एक्सचेंज ऑफर आया हुआ है, नया आईफोन चेंज करना है हर 6 महीने में। हो क्या रहा है, हर 6 महीने में जेब से आउटफ्लो जा रहा है। एनीवे, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, लेट्स टॉक अबाउट योर ड्रीम्स, योर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ करोड़पति। सो करोड़पति बनने के लिए आप सेफ्टी, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो सेफ्टी देखते हो, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी सबको समझ में आ गई, जिसको समझ में नहीं आई वो हैंड रेज कर सकता है या चैट बॉक्स में ही अनम्यूट करके पूछ सकता है। नाउ रिटर्न्स, रिटर्न्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको बताया रिटर्न्स क्या होते हैं, रिटर्न इज जैसे आपका बैंक में, ओके नो सर, ओके फाइन। रिटर्न्स क्या है, रिटर्न्स आपका जैसे बैंक एफडी, जैसे बैंक में होता है 4.5%, एफडी में 8.5%, म्यूचुअल फंड में, अब म्यूचुअल फंड में भी अलग अलग स्टॉक, अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें आप 8% से लेके 20-25% तक का रिटर्न लेके आ सकते हो। एसेट क्लास, रियल एस्टेट में एक अलग रिटर्न होता है। तो रिटर्न्स क्या है, रिटर्न पे डिपेंड करता है आपका इन्वेस्टमेंट। तो और दूसरा है कन्वीनियंस, इन्वेस्टमेंट आप तब करते हो कितना कन्वीनियंट। आप बैंक में पैसा क्यों रखते हो, क्योंकि आप, और वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता भी है, क्यों, क्योंकि कन्वीनियंट है। एफडी में आप पैसा क्यों रखते हो, क्यों, क्योंकि वो कन्वीनियंट है। फिर है आपका टिकट साइज, अभी क्या होता है कि आप एफडी क्यों कर देते हो, क्योंकि वो इतनी छोटी, आप 1,000 रुपए की एफडी भी कर सकते हो, 500 रुपए की एफडी भी कर सकते हो, 10,000 की भी कर सकते हो, 1,00,000 रुपए की एफडी भी कर सकते हो। यू कैन डू एफडी ऑफ एनी अमाउंट,
तो इसलिए आप क्या देखते हो कि कितना छोटा या कितना बड़ी वैल्यू, तो वो उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं म्यूचुअल फंड की दुनिया में टिकट साइज, या इन जनरल भी आप क्या बोलते हैं टिकट साइज। टिकट साइज का मतलब क्या है कि इन्वेस्टमेंट, टिकट साइज का मतलब है कि कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट या कितना छोटे से छोटा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, दैट इज योर टिकट साइज। और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आप छोटे से छोटा इन्वेस्टमेंट आप 100 रुपए का भी कर सकते हो, सो एज लो एज दैट अमाउंट। सो टिकट साइज भी आपके इन्वेस्टमेंट को हेल्प करता है। फिर है आपका टैक्स, जैसे आपको टैक्स देना पड़ता है कोई भी इनकम हो। अब जब आप इनकम अर्न करेंगे, अभी आप लोग बहुत लोग जॉब अभी सब स्टडी कर रहे हैं, एमबीए और बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, तो जब आप कल जॉब करेंगे, जॉब करते वक्त आपको क्या करना होगा, टैक्स देना पड़ेगा अपनी इनकम के ऊपर। मे बी योर इनकम इज लेट्स से यू गेट अ पैकेज ऑफ 4 लाख, तो 4 लाख जब आपकी इनकम होगी, 4 लाख मैंने से 4 लाख, तो 4 लाख की इनकम पे अगर मैं कहता हूँ कि 10% TDS आएगा, जस्ट एन एग्जाम्पल, आएगा कम, तो कितना आया आपका 40% TDS, बट 3 लाख तक एग्जेप्टेड होता है हमारा अप्रॉक्सीमेटली, तो आपका 1 लाख पे 10% बनेगा मैक्सिमम 10,000, वो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो भी और कम हो जाएगा। तो इनकम टैक्स तो देना ही पड़ता है। तो लाइबिलिटी भी आपकी देखनी पड़ती है कि लाइबिलिटी आपकी क्या बन रही है, टैक्सेबल, टैक्सेबिलिटी या लाइबिलिटी या टैक्सेबल इनकम। तो इन्वेस्टमेंट में क्या देखा आपने, सेफ्टी, लिक्विडिटी, रिटर्न्स, कन्वीनियंस और ये सब कुछ, और टैक्स डिडक्शन। नाउ अब हम बात करते हैं कौन कौन सी डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं, कौन कौन सी डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट क्लासेस हैं जो हमारी अवेलेबल हैं। अगर हम एसेट की क्लासेस की बात करें तो सबसे पहला आता है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट हम किसको कहते हैं, जो आपका जिसे आप कहते हैं, जैसे आप जमीन में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, घर में करते हैं, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट इज इनटू द बिल्डिंग्स, वो एसेट क्लास जो बिल्डिंग्स या जो भी आपकी रेजिडेंशियल एरियाज में जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है उसे हम बोलते हैं रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट को भी फर्दर क्लासीफाई किया गया है, रियल एस्टेट, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, कमर्शियल रियल एस्टेट। तो एसेट कैटेगरी जो रियल एस्टेट की है वो लोकेशन पे डिपेंड करती है, रियल एस्टेट लिक्विड है, डिवाइड नहीं कर सकते आप रियल एस्टेट को। तो रियल एस्टेट की कुछ प्रॉब्लम है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी अगर 10,000 square feet है तो आप उसे ये नहीं कह सकते कि खाली यस इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी रियल एस्टेट अश्मित, राइट। सो आप प्रॉपर्टी को 10,000 प्रॉपर्टी को आप ऐसा नहीं बात कर सकते कि 10,000 यूनिट को आप 10,000 लोगों को दे दो, एक एक स्क्वायर फीट हर कोई ले ले और दैट्स हाउ हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है यहाँ पे। तो रियल एस्टेट की ये प्रॉब्लम है। रियल एस्टेट में अगर आपको किसी को अगर इन्वेस्ट करना होगा तो पूरा ही करना होगा, कैपिटल एप्रिसिएशन जरूर होता है रियल एस्टेट में, ठीक है। लेकिन रियल एस्टेट में क्या होती है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी होती है, ब्रोकरेज और ये बहुत सारी मेंटेनेंस भी चाहिए। दूसरा टाइप ऑफ आपका इन्वेस्टमेंट की जो कैटेगरी है, एसेट क्लास है हमारी, है कमोडिटी। कमोडिटी क्या होती है, कमोडिटी होती है धातुएं। धातुएं जैसे आपने क्या देखा है, एग्रीकल्चरल कमोडिटी है, जैसे आप ये देखते हो अपनी आप गेहूं देखते हो, आप गेहूं खरीद के डाल सकते हो, चावल, गेहूं, चावल जो भी आप स्टॉक करके बेच, गन्ना ये सब स्टॉक करके आप बेच सकते हो। उसके अलावा आपकी कमोडिटीज में आपकी आती है कॉपर, मेटल्स, यस उत्सव मेटल्स, ये सब। तो आप कॉमोडिटीज में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपको पता है कि चांदी का रेट हर साल बढ़ रहा है, आप में से कई लोग चांदी में इन्वेस्ट करते हैं, आप में से कई लोग आपकी फैमिली सोने में इन्वेस्ट करती है, चांदी में इन्वेस्ट करती है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, प्लेटिनम है, एल्यूमिनियम में कोई इन्वेस्ट नहीं करता, प्लेटिनम है, हीरा है, सो दीज आर ऑल कॉमोडिटीज, गोल्ड एंड सिल्वर बेसिकली कॉमोडिटी है, तो यहाँ पे भी हम इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम बात करें, फिर है आपकी एक एसेट क्लास है फिक्स्ड इनकम। अगर हम देखें फिक्स्ड इनकम की अगर हम बात करें तो फिक्स्ड इनकम हमारे पास कहाँ से आती है। फिक्स्ड इनकम आपको जैसे बैंक में आपको 4.5% साल का आ रहा है, एफडी है फिक्स्ड, इसलिए एफडी में शब्द क्या है, फिक्स्ड, फिक्स्ड इनकम, फिक्स्ड, एफडी इज फिक्स्ड डिपॉजिट, तो आपको क्या हुआ फिक्स्ड डिपॉजिट आया। उसके अलावा आपको कंपनीज जो है, कंपनीज के कमर्शियल पेपर्स होते हैं जिनको हम सीडी बोलते हैं, कमर्शियल डिपॉजिट, वो कंपनी आपको 8% 9% देती है। गवर्नमेंट है, यस आरडी इज ऑल्सो फिक्स्ड। उसके अलावा और क्या है, पीपीएफ जैसे मैंने बोला बिल्कुल ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ये सब जगह पे आपको एक रेकरिंग इनकम मिलती है। देन देयर इज अनदर काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट क्लास, एसेट क्लास जिसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब। या गवर्नमेंट जॉब इज अ जॉब बट वो एक गवर्नमेंट जॉब से आप इनकम जनरेट होती है, बट गवर्नमेंट जॉब इज नॉट अ एसेट क्लास। हम एसेट क्लास की बात कर रहे हैं हर्ष, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। उसके अलावा इक्विटी है। इक्विटी क्या है, स्टॉक मार्केट बेसिकली। इक्विटी क्या है, इक्विटी इज द ऑनर कैपिटल इन द बेस, ऑनर ने जो कैपिटल लगाई है उसे हम इक्विटी बोलते हैं। और वो इक्विटी दो मार्केट में होती है, एक तो सेकेंडरी, एक प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो है जो मार्केट में नहीं आई,
जैसे आज मैं अगर मैं बात करूं कि आपने कोई फर्म खोली, उसकी वैल्यूएशन मान लेते हैं 10 करोड़ रुपए है, लेकिन कल आप, या 50 करोड़ रुपए, लेकिन कल आप उसमें से म्यूट कर दीजिए, देयर इज अ वॉइस, तो उसमें से अगर आप 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में से अगर आप मार्केट को 10% देना चाहें, 1 करोड़ रुपए के आप शेयर्स मार्केट में दे सकते हैं। अगर आप जैसे इसी तरीके से अगर हम उसको सेंसेक्स को देखें, तो 1979 से लेके सेंसेक्स अब तक 100 था, आज 60,000 का सेंसेक्स है, आज 60,000, यानी कि अगर हम 1979 में सेंसेक्स देखें तो उसकी वैल्यू थी सिर्फ 100, और आज कितना चला गया, 60,000, देख रहे हो कितनी बड़ी ग्रोथ है। सो दिस इज ऑल्सो अ एसेट क्लास। सो डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं, डिफरेंट उनमें सिमिलैरिटी है, डिफरेंट उसमें डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो अब डिस्कशन से हमें क्या क्या पता लगा कि कौन कौन से डिफरेंट क्लासेस हैं, और अब हम देख लेते हैं डिफरेंट एसेट क्लासेस और क्या क्या आपके पास एसेट कैटेगरीज हैं। देखिए, क्वेश्चन भी आता है आपके सामने कि ये क्वेश्चन, जैसे एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि इज अ काइंड ऑफ एसेट क्लास। अब जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं इक्विटी, इक्विटी में कौन कौन सी है, इक्विटी में आपके पास बहुत सारी कंपनीज हैं, ये मैं बाद में डिटेल में डिस्कस करूंगा, अभी सिर्फ समझते हैं इक्विटी में क्या क्या है। म्यूचुअल फंड में अगर हम बात करते हैं तो ब्लू चिप कंपनी होती है, ब्लू चिप कंपनी है जो कंपनी आपकी जिनका नेटवर्थ मार्केट में बड़ा है, ब्लू चिप कंपनी है टॉप, जिनकी नेटवर्थ बहुत बड़ी है और वैल्यूएशन बहुत बड़ा है मार्केट में। फिर मिड साइज कंपनी है, स्मॉल साइज कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है, फॉरेन स्टॉक है, इक्विटी इंडेक्स फंड है, तो ये सब क्या कहलाता है, इक्विटी एसेट क्लास। फिक्स्ड इनकम एसेट क्लास में क्या आता है, एफडी विद बैंक, रिकरेंट डिपॉजिट, एंडोमेंट पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसी, पीपीएफ, सुकन्या योजना, सीनियर सिटीजन स्कीम, पोस्ट ऑफिस स्कीम, रिकरेंट डिपॉजिट, कंपनी एफडी, डिबेंचर, बॉन्ड्स। क्वेश्चन भी आता है आपके सामने, ब्लू चिप कंपनीज इन एग्जांपल ऑफ विच एसेट क्लास, तो आपके सामने चार ऑप्शन आ जाएंगे, इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, रियल एस्टेट, कमोडिटी। तो क्या आंसर है इसका, इसका क्या आंसर है, टाइप इन द चैट बॉक्स, इसका आंसर क्या है। इंडेक्स फंड इज एग्जांपल ऑफ कौन से एसेट क्लास का एग्जाम्पल, इंडेक्स फंड, इक्विटी, राइट। और डेट म्यूचुअल फंड कौन से एसेट क्लास का एग्जाम्पल है, डेट म्यूचुअल फंड कैसे होते हैं, देखिए म्यूचुअल फंड दो टाइप के होते हैं, एक होता है इक्विटी, दूसरा होता है डेट। अब यहां पे हम डेट क्यों बोलते हैं, इक्विटी क्या होता है, जहां पे स्टॉक्स में यानी कि जो ओनर का शेयर है, जो ओनर का शेयर है वो उसमें इन्वेस्टमेंट होता है, बेसिकली उसे हम इक्विटी बोलते हैं। डेट क्या है, फिक्स्ड स्कीम्स, बेसिकली गवर्नमेंट भी डेट क्या है, डेट क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि उधार होता है। गवर्नमेंट क्या करती है, समय समय पर पब्लिक से पैसा बोरो करती है, फिर उसके ऊपर पैसा देती है। जितना भी आपका पोस्ट ऑफिस की स्कीम है या गवर्नमेंट का जो बॉन्ड्स हैं, जैसे नबार्ड के बॉन्ड्स आते हैं, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स, गवर्नमेंट आपसे बार बार पैसा लेती है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, फिर आपको उस पर 8%, 7%, 10% देती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डेट, इसलिए हम इसको बोलते हैं उधार। तो इसलिए म्यूचुअल फंड में भी एक डेट कैटेगरी के म्यूचुअल फंड होते हैं, जहां पे फिक्स्ड एसेट क्लास में पैसा लगता है, तो वो क्या है, एसेट क्लास फिक्स्ड इनकम। फिर आपका रियल एस्टेट है, जिसमें आपका रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, तो ये ट्रस्ट है, ये कौन सा है, रियल एस्टेट। कमोडिटीज कौन कौन सी है आपके, गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड कमोडिटी, कमोडिटी ईटीएफ, कमोडिटी ईटीएफ भी होता है, इक्विटी ईटीएफ होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अगर आपको नहीं पता हो आप लिख लीजिए, आपसे क्वेश्चन कल को आ सकता है, व्हाट इज ईटीएफ, ईटीएफ इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। फिर एक हाइब्रिड क्लास होता है, हाइब्रिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हाइब्रिड है, आप कहते हैं ना कि यार हाइब्रिड गेहूं, यानी कि मिलीजुली सरकार है, मिलीजुली सरकार कैसी है, उसमें डेट भी होगा, इक्विटी भी होगा, और उसमें कोई कमोडिटी भी होगा, एसेट क्लास भी होगा, यानी कि जब आप उसमें, उन्होंने क्या करा, जैसे म्यूचुअल फंड वाली कंपनी ने, जैसे आईडीएफसी है या कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी है, उन्होंने एक ऐसा म्यूचुअल फंड बनाया जिसमें डेट में भी इन्वेस्टमेंट है, इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट है, उसके अलावा आपके कमोडिटी में भी इन्वेस्टमेंट है। तो ये किस तरह का इन्वेस्टमेंट होगा, किस तरीके का इन्वेस्टमेंट होगा, ये अनम्यूट करिए या चैट में लिख के बताइए, डाइवर्सिफाइड और डाइवर्सिफाइड कैसा, हाइब्रिड, इट इज कॉल्ड डाइवर्सिफाइड एंड हाइब्रिड। नाउ इन्वेस्टमेंट रिस्क, अब हम इन्फ्लेशन का रिस्क हम समझते हैं। अगर हम इन्फ्लेशन का रिस्क समझें, जैसे मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाया था
अगर आज आप 10,000 रुपए से कोई चीज खरीद रहे हैं, इन्फ्लेशन 8.5% है, तो अगले 5 साल में आपको उसके लिए 14,000 रुपए देने पड़ेंगे, 10 साल में 21,000 रुपए देने पड़ेंगे, 20 साल में 46,000 रुपए देने पड़ेंगे और 30 साल में 1,00,000 रुपए देने पड़ेंगे। यानी कि अगर आप देखें अगले 30 साल में ये चीज 10 गुना हो जाती है। अगर 8% इन्वेस्टमेंट, अगर आप 8% इन्फ्लेशन देख रहे हो, तो महंगाई क्या करती है, आपकी परचेजिंग पावर को कम कर देती है। आज 10,000 में जो आप खरीद पा रहे थे, 30 साल बाद आप कितने रुपए में खरीद पाओगे? 30 साल में आप कितने रुपए में खरीद पाओगे? यस, ₹1,00,000 में। तो यानी कि 30 साल में आपको 10 गुना पैसा चाहिए ऑन एन एवरेज आज के हिसाब से। जस्ट एन एग्जाम्पल। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। अब क्या है लिक्विडिटी का रिस्क? अभी जैसे मैंने आपको क्या बताया, एक इन्फ्लेशन एक रिस्क है, इन्वेस्टमेंट में क्या क्या रिस्क है। पहला रिस्क है इन्फ्लेशन रिस्क, दूसरा रिस्क है इन्फ्लेशन रिस्क क्यों है। कोई अनम्यूट करके बताएगा इन्फ्लेशन रिस्क क्यों है? जल्दी से फास्ट फास्ट आगे बढ़ेंगे। अब वीडियोस पर राह कीजिए, वीडियोस पर राह कीजिए। इन्फ्लेशन रिस्क क्यों है? जल्दी से कोई फास्ट। नेहा, किसको समझ में आया? जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी, वो मतलब वैसे तो बढ़ेगी मनी टर्म में, लेकिन उसकी वैसे नहीं बढ़ेगी वैल्यू। परफेक्ट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपको 100 रुपए आपने आज इन्वेस्ट करे और वो कल 110 रुपए हो गए, 8% इन्वेस्टमेंट है, तो बेसिकली आपको 2 ही रुपए बढ़े ना आपके 110 रुपए। आपको लगा कि मेरे जेब में तो 110 रुपए है, लेकिन 8 रुपए तो इन्फ्लेशन खा गया। यस, इन्फ्लेशन रेट कैन बी हायर देन इन्वेस्टमेंट, सो देयर इज अ रिस्क। ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल सही बोला है हैरिस ने, कि इन्फ्लेशन भी एक रिस्क है, कि जो आप कमा रहे हो उससे ज्यादा इन्फ्लेशन ले जा सकता है। मान लेते हैं अगर आपको 8% रिटर्न आ रहा है इक्विटी में या किसी भी एसेट क्लास में, कहीं पे भी आप जहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो, और 8% इन्फ्लेशन खा गया, तो आपकी आपको कुछ बढ़त तो आपके पैसे की हुई नहीं, सो देयर इज अ रिस्क। सेकेंड कैटेगरी का जो रिस्क है वो है लिक्विडिटी। अब कई जगहों पे क्या होता है, लिक्विडिटी रिस्क क्या हो सकता है? लिक्विडिटी रिस्क ये होता है कि आप उसको कन्वर्ट ही नहीं कर पाए। जैसे रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी रिस्क है। आज आपकी प्रॉपर्टी है, आपने देखा होगा पिछले 3-4-5 सालों में प्रॉपर्टी के रेट थम से गए हैं, 4-5 साल में बढ़ नहीं रहे इतने जितने पहले बढ़ रहे थे 4-5 साल पहले। अब क्या है दूसरी, क्यों? मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, मार्केट में खरीदार नहीं है, इतना ग्राहक नहीं है। आज आपका जो 30 लाख रुपए का कोई फ्लैट था वो पहले 60 लाख का हो गया था, लेकिन आज हो सकता है मार्केट में आप उसे 30 लाख रुपए में भी निकालने को तैयार हो, लेकिन 30 लाख का भी बरोबर नहीं। अब आप 28 में तो आप उसको निकाल नहीं सकते क्योंकि लॉस है। तो बेसिकली ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, व्हाट इज दिस, दिस इज लिक्विडिटी रिस्क। अब यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं मिल पा रही, आप उसे अपने पैसे को पैसे में कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे। फिर तीसरा है आपका है क्रेडिट रिस्क। अब क्रेडिट रिस्क क्या है, क्रेडिट रिस्क ये है कि जो बोरोवर है, जैसे अब यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग अगर हम देखें, इसलिए क्रेडिट रेटिंग होती है अलग अलग। हृदय पुनिया आपका क्वेश्चन लेंगे, लाइक क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट नॉट ट्रेंडिंग इंडिया, मेनी इन्वेस्टर आर शोइंग इंटरेस्ट, देयर इज सम रिलीफ इन टैक्स रिलीफ, वांट टू नो मोर अबाउट दिस। इसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे, हमारे टॉपिक से हृदय बाहर है, बट हाँ यू आर राइट, यहाँ पे क्रिप्टो के ऊपर एक रिस्क है। कैसा रिस्क है, अगर कल गवर्नमेंट कोई एक लेजिस्लेशन की एक लेके आती है कि क्रिप्टो इज बैंड इन इंडिया, वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर रखा है, कल को कोई एकदम से कोई एक ऐसा आ जाता है कि दिस इज बैंड इन इंडिया, या जो भी टैक्स है इस पर टैक्स अगर 50-60% होगा, या आप कन्वर्ट ही नहीं कर पाए, फॉर एग्जाम्पल, सो देर इज अ बिगर रिस्क। सो व्हेन इट कम्स टू क्रेडिट रिस्क, जो एजेंसी जिसको आप पैसा दे रहे हो, द मोस्ट फेवर्ड एजेंसी जैसे गवर्नमेंट है, आप बैंक्स को या गवर्नमेंट को पैसा देते हो, यहाँ पे सबसे कम रिस्क होता है, क्योंकि वहां पे क्रेडिट, उनकी क्रेडिट रेटिंग जो है हाईएस्ट, वहां पे क्रेडिट रेटिंग क्या है, क्रिसिल। क्रिसिल इज अ कंपनी जो क्रेडिट रेटिंग देती है इंडिया में, जिसमें ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, A++++, देन A++, देन ए कैटेगरी, देन B++++, देन B+, B-, तो अलग अलग टाइप से आपकी क्रेडिट रेटिंग होती है। जितनी A++++ कैटेगरी में होंगी, वहां पे वो इंडिविजुअल डिफॉल्ट नहीं करेगा। जैसे आपने देखा यहाँ पे क्रेडिट रिस्क की बात करते हैं, आप देखते हो कि अपने घर के आसपास लोग कमेटियां चलाते हैं,
अब जो ये कमेटियां चलाते हैं, कमेटियां क्या है, कमेडिटी जो कमेटी जिसे आप घर के पास चलाते हो, कमेटी बोलते हो आप घर में, वो जब आप चलाते हो उसमें हाईएस्ट रिस्क होता है। क्यों हाईएस्ट रिस्क होता है? हो सकता है कमेटी चलाने वाला कल को भाग जाए, या तो आप उसकी पिटाई, भाग गया या तो आप उसको घर में पीट के उसको पैसा ला सकते हो, फिर कोई और बाकी कोई तरीका नहीं। या तो आप उसका पिटाई करके पैसा आएगा, या फिर आप उसको मतलब जो भी कुछ है कि भैया उसका सामान आपने उसका ले गए थे, उसके घर से एसी फाड़ के ले गए, उसके घर से कुछ और लेके चले गए, दैट इज अ काइंड ऑफ रिस्क। तो क्योंकि उसकी क्रेडिट रेटिंग तो कोई है नहीं ना, लेकिन गवर्नमेंट के पास जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो या म्यूचुअल फंड में या कोई ऐसी जगह पे जो लार्ज हाउसेस में इन्वेस्ट कर रहे हो जहां पे क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, तो आपका इन्वेस्टमेंट सिक्योर होता है। सो क्रेडिट रिस्क इज ऑल्सो अ रिस्क। गेटिंग माई पॉइंट कि साख, क्रेडिट इज कॉल्ड साख इन हिंदी, यानी कि उसकी जो साख है वो कैसी है मार्केट में। तो आप अपना पैसा भी उसको देते हो जिसकी क्रेडिबिलिटी है, क्रेडिट आराम से ले सकता है। नाउ मार्केट रिस्क हो सकता है और प्राइस रिस्क हो सकता है। अब मार्केट रिस्क कैसा है? मार्केट रिस्क और दो तरीके के रिस्क होते हैं, एक तो मार्केट रिस्क है, प्राइस रिस्क। अब सबसे पहले हम लोग देख देते हैं प्राइस रिस्क। अब प्राइस रिस्क में क्या है, अगर आप देख रहे हैं जैसे अभी रियल एस्टेट को आप क्या देख रहे थे कि पहले लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे रियल एस्टेट में, 30 लाख का फ्लैट था, हर 5 साल में वो डबल हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल 3 या 4 साल में 30 लाख का फ्लैट हो गया 70 लाख का, फिर 1 करोड़ का हो गया। अभी ये तो क्या हुआ, अभी नेगेटिव साइड में क्या हो रहा है कि अभी जो 1 लाख रुपए का फ्लैट हो गया था 4-5 साल पहले 30 लाख से बढ़ते बढ़ते, हो सकता है वो आज उसकी वैल्यूएशन कम हो गई। फॉर एग्जाम्पल हम लोग प्राइस रिस्क की बात भी करते हैं कि अगर हम स्टॉक्स की बात करते हैं तो मार्केट में, स्टॉक मार्केट में दोनों तरीके के रिस्क हैं, प्राइस रिस्क भी है। अगर आज आप देखें कोई शेयर जिसकी प्राइस अगर आज 2000 रुपए है, तो क्या ऐसा है कि वो शेयर की प्राइस 400 रुपए नहीं हो सकती? फॉर एग्जाम्पल HUL का शेयर है अभी मेरे ख्याल से 2200 या 2300 रुपए का होगा, मैंने आज से 10 साल पहले शायद वो खरीदा था शायद 400 या 500 रुपए में, क्या वो 400 रुपए का नहीं हो सकता वापस? हो सकता है, पॉसिबिलिटी। नेस्ले की न्यूज आई थी 6000 रुपए का शेयर मेरे ख्याल से 3000 रुपए पे आ गया था, जब नेस्ले की उसमें मैगी की नेस्ले की चॉकलेट में कीड़ों की न्यूज आई थी, नेस्ले की चॉकलेट में कीड़ों की, जैसे हाँ यस बैंक का केस एग्जांपल, बिल्कुल राइट बोले मैंने, नेस्ले की जब कीड़ों की न्यूज आई थी वो 5800 का शेयर था मुझे याद है, वो 3000 पे आ गया था, 2800 तक आ गया था। अब सोचिए तो हाँ, रिलायंस पावर इज ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ पिजन, राइट। रिलायंस पावर देखो आप कहां से कहां पहुंच गया, जब इशू प्राइस 320 का था, और अगर आज आप नेट पे जाके चेक करेंगे रिलायंस पावर का प्राइस, तो इट इज वेरी मच डाउन, वेरी 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 मच। सो मार्केट में जब आप जाते हैं तो ये दोनों तरीके के रिस्क हैं। आई होप आपको दोनों समझ में आ गए, मार्केट रिस्क भी और प्राइस रिस्क भी। फिर है इंटरेस्ट रेट रिस्क। अब इंटरेस्ट रेट का क्या रिस्क है, ये भी फ्लक्चुएट होता रहता है। आज फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो कि आपको पहले, अगर मैं आपको बात करूं, पहले आपको फिक्स डिपॉजिट पे 10.25% मिलता था, लेकिन आज आपको फिक्स डिपॉजिट पे 8.25% मिलता है, यानी कि FD पे भी 2-3% कम हुआ है। व्हाट इज दिस इंटरेस्ट रेट रिस्क? गवर्नमेंट जब चाहे, या आप जहां भी इन्वेस्ट कर रहे हो वहां पे जो भी आपको इन्वेस्ट रेट मिल रहा है, डिबेंचर में हो सकता है, बॉन्ड में फिक्स्ड हो सकता है कि आपको 10% बोल दिया तो देंगे, लेकिन मार्केट के हिसाब से वो फ्लक्चुएट हो सकता है, मार्केट के हिसाब से वेरिएशन आ सकता है। और इसी तरीके से आपने देखा होगा कि कई बार आपकी जो EMI है, हाउसिंग लोन की EMI, कोई भी आपने लोन लिया है उसकी EMI इंक्रीज या डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि आप पहले आपकी EMI मान लेते हैं 10% पे जा रही थी, 10.25%, आज आपका 9.75 हो गई, तो आपकी क्या हो गया, आपका 0.25% या 0.50% जो EMI थी वो कम हो गई। नाउ सेकेंड आता है आपका, फिर आता है आपका रिस्क मेजर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। तो रिस्क को कैसे आप मैनेज करते हैं, ठीक है, अवॉइड रिस्क। अब अवॉइड करने का क्या क्या तरीका है कि आप उन इन जगहों पे अब पीछे ही चले जाते हैं, आप सेफ एरियाज में जाइए, अच्छी क्रेडिट रेटिंग वाली जगहों पे इन्वेस्ट कीजिए जो क्रेडिबल हो, क्रेडिटेबल हो, और जहां पे इन्फ्लेशन को बीट करते हुए इन्वेस्टमेंट एरियाज में आप इन्वेस्ट करें। तो जो रिस्की एरियाज हैं वहां पे आप अवॉइड करें, जैसे गिव मी अ सेकंड। दूसरा, जब आप कैसे कर सकते हो रिस्क को मेजर, मतलब मैनेज कर सकते हो, 100% आप
रिस्की एसेट क्लास में मत लगाइए, यानी कि जब आपका सारा पैसा, सारा का सारा पैसा आप इक्विटी में मत लगाइए, कुछ पैसा आप डेट्स में लगाइए, डेट में लगाइए, बॉन्ड में लगाइए, कुछ पैसा आप स्टॉक उसमें शेयर्स में उसमें लगाइए, दिस थिंग गोल्ड, कुछ पैसा आप सिल्वर में लगाइए। तो इससे क्या होगा कि आपका रिस्क क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन देखिए, आपने ये कहावत है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, ये कहावत है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसको आज ऐसे समझ लीजिए कि मान लेते हैं आप अंडे लेके जा रहे हो, आपके पास अंडों की एक ही ट्रे है, आपने सारे अंडे उसी ट्रे में रख दिए। अब आप साइकिल पर जा रहे हो उस अंडे की ट्रे को लेके, कोई किसी ने सामने से टकराया, अब वो साइकिल पे आप गिरे, वो सारे अंडे गिर गए, टूट गए, अब क्या हुआ, यानी कि आपका सारा रिस्क आपने क्या कर रखा था, अपना सारा का सारा रिस्क उस अंडों की टोकरी में रखा था, यानी कि उस अंडे की क्रेट में रखा था, वो सारा का सारा रिस्क अब आपका, यानी कि आप 100% रिस्क पे चल रहे हैं। इसी तरीके से हम लोग जैसे मार्केट में जाते हैं, तो जब आजकल तो हम लोग डिजिटल मनी है, आप कैश को कैसे करते हो, मान लेते हैं आप 10,000 रुपए लेके जा रहे हो मार्केट में, मान लेते हैं दिल्ली की चांदनी चौक में आपको 10,000 रुपए लेके जाने हैं, तो आप रिस्क कैसे मिटिगेट करोगे, मुझे बताओ, रिस्क को कैसे डाइवर्सिफाई करो। एक तो डिजिटल मेथड हो, कुछ पैसा डिजिटल, जितना डिजिटल हो सकेगा उतना डिजिटल ले जाएंगे। चले मान लेते हैं 10,000 में से 2,000 या 3,000 4,000 डिजिटल कर लिया, 6,000 तो आपको कैश लेके ही जाना है, और 6,000 कैश को आप कैसे लेके जाओगे, कुछ आप पर्स में रखोगे, कुछ आप फ्रंट कुछ चार्जर के पीछे, कुछ चार्जर के पीछे रहेंगे, राइट, और मोबाइल के कवर के पीछे, राइट राइट राइट, दिस इज हाउ यू डाइवर्सिफाई, राइट। सो इसी तरीके से जब आप कैश को डिफरेंट पॉकेट्स में रखते हो, इसी तरीके से आपको क्या करना है, अपनी इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट पॉकेट्स में रखना, ताकि आपकी अंडे आपकी अंडे की ट्रे एक साथ ना गिर जाए। अगर आपने मान लेते हैं आपने कहा इक्विटी तो मेरे को 25% रिटर्न दे रही है, यार ये जो स्टॉक है ना हर साल 25% बढ़ रहा है, पिछले 2 साल से देख रहा हूं मैं ना भाई, इसमें भाई इन्वेस्टमेंट कर दे, हर महीने 2% बढ़ता है, ये साल में 25% बढ़ जाएगा। मैंने तो देख लिया 10,000 रुपए लगाए थे, मेरे 25,000 रुपए हो गए एक साल में, कर दे इसमें इन्वेस्टमेंट कर दे। अब उसने भी इन्वेस्टमेंट कर दिया, सारा पैसा आपका, आपने 10,000 रुपए हर महीना उसमें डालते चले गए, अब आपके 10,000 बनने थे 25,000, एक साल बाद क्या हुआ, अभी गवर्नमेंट गिर गई, मान लेते गवर्नमेंट चेंज हो गई, आज गवर्नमेंट किसी और उसकी कांग्रेस की थी, कल बीजेपी की हो गई, कल बीजेपी की थी आज कांग्रेस की हो गई, जो भी हो गवर्नमेंट चेंज हो गई, मार्केट गिर गई, आपका जो शेयर था जो 2% के हिसाब से बढ़ रहा था वो सीधा सीधा 10,000 रुपए की बजाय वो 2,000 रुपए का हो गया, अब क्या हुआ आपके इन्वेस्टमेंट के साथ दड़ा। लेकिन अगर आपने ऐसा ना करके आपने कुछ पैसा स्टॉक्स में लगाया होता, कुछ पैसा और डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स में लगाया होता, अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में लगाया होता, तो आपका पैसा बच जाता, वो गिरता नहीं, क्योंकि उसको संभाल लेता, आपने डाइवर्सिफाई कर लिया होता। तो मैंने जैसे बताया डाइवर्सिफाई कर लिया। अब बिहेवियरल बायसेस होते हैं डिसीजन मेकिंग, जब हम डिसीजन लेते हैं ना तो हमारे पास बहुत सारे बायसनेस होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड बायस, कोई बताएगा जल्दी से बायस, क्योंकि ये देखो शब्दों को समझ जाओगे ना, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्जाम सिंपल खीर है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर तो मैं आपको सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ कि आपको एग्जाम पास करना है, लेकिन मेरा बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि आप लोगों को बड़ा पैसा कमवाना है, करोड़पति नहीं बनोगे, कुछ 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 तो बढ़िया करोगे, बड़ा करोगे, सुपर करोगे, राइट और राइट, कुछ तो करोगे, अलग करोगे, सॉलिड करोगे। मुझे बताए बायस क्या होता है, बायस वर्ड का मतलब क्या? यस, पार्शियलिटी। देखिए कई बार क्या होता है ना कि आपने देखा किसी इंटरव्यू में कोई आया, उसकी आपकी बहन की जैसी शक्ल थी, भाई जैसी शक्ल थी, गर्लफ्रेंड जैसी शक्ल थी, बॉयफ्रेंड जैसी शक्ल थी, तो आप बायस्ड हो गए उसके, अब आपने उसको पास करवा दिया या पास कर दिया, दिस इज कॉल्ड बायसनेस, पार्शियल। तो ये बायसनेस आती है, तो हम इन्वेस्टमेंट में भी ना बायसनेस करते हैं, भाई ये ना ये आर कंपनी है ना, आर जो है ये मेरे ना, मेरा लकी नंबर आर है, मेरा लकी है ये कंपनी के आगे ना, ये कंपनी के आगे लिखा है आर पावर, आर पी, तो आर तो मेरे तो भाई लकी कैरेक्टर है, ये मेरा पी कैरेक्टर है, और ये ना पिछले 10 साल से बढ़, मतलब इस तरह के हमारे होते हैं बायसनेस। व्हाट इज दिस इज कॉल्ड बायसनेस, पार्शियलिटी, यानी कि आप पार्शियलिटी कर रहे हो। कैसी कैसी पार्शियलिटी? पहला होता है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक क्या होती है? जो सामने आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है आप उसके बेसिस पर चल रहे हो। अब अवेलेबिलिटी कैसी हो सकती है, जैसे आपने मैंने आपको बताया आपके फ्रेंड ने आके, भाई हाँ भाई भाई ये देख 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे क्रिप्टो करेंसी में, इस महीने मेरे पास ना 25,000 रुपए हो गए, जल्दी से इन्वेस्ट कर। तो ये क्या है, कोई डेटा नहीं, कुछ पता नहीं, ऑप्शन पता नहीं, बस दोस्त ने बोला कर दिया, ये क्या है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। जितनी डेटा अवेलेबल हुआ
जितना बस जितना कुछ हुआ सामने बस पार्शियल होके कर गए, फिर है कंफर्मेशन बायस। ठीक है, कंफर्मेशन बायस क्या होता है कि वो एडिशनल कंफर्मेशन ढूंढ रहे होते हैं कि कंफर्मेशन बायस क्या होता है, किस किसने इन्वेस्टमेंट किया है मार्केट में, आज क्या हो रहा है क्रिप्टो करेंसी में, लोग पता है कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि वो भी इन्वेस्ट कर रहा है, वो भी इन्वेस्ट कर रहा है, वो भी इन्वेस्ट कर रहा है, आज से 5 साल पहले लोग नहीं कर रहे थे, ये क्या कंफर्मेशन बायस। घर वाले भी इस बात को कहते हैं शर्मा जी ने भी यही पैसा लगाया है, वर्मा जी ने भी यही पैसा लगाया है, और अरोड़ा जी ने भी यही पैसा लगाया है, बिष्ट साहब ने भी यही पैसा लगाया है। गलत, 5 लोग एक जगह पैसा लगा रहे, गलत तो नहीं हो सकते। व्हाट इज दिस कंफर्मेशन बायस। आप साथ ही साथ म्यूट करके या अनम्यूट करके बोलते रहिए, जैसा भी है साथ साथ बोलते रहिए। फिर है फेमिलैरिटी बायस। फेमिलैरिटी बायस कैसे होता है कि अरे ये तो मुझे पता है, अननोन डेविल इज बेटर देन अननोन एंजल, ये तो मुझे पता है। ठीक है, ये है कि ये इन द फेमिलियर सिचुएशन विच एट टाइम प्रेजेंट फ्रॉम एक्सप्लोरिंग बेटर अपॉर्चुनिटीज। कि अब यहाँ पे फेमिलियरिटी क्या है, भाई साहब चक्कर में मत पड़ो, एफडी से ज्यादा ना कहीं पैसा नहीं है, इक्विटी में डालोगे, स्टॉक मार्केट, मैंने ना स्टॉक मार्केट में लगाए थे, मुझे नहीं पता, ना तो मुझे स्टॉक के बारे में पता, ना तो मुझे इधर नए नए लड़कों की बातें हैं क्रिप्टो करेंसी और शिप्टो करेंसी, हमें नहीं पता क्रिप्टो शिप्टो, ना तो हमें म्यूचुअल, हमें तो जी हमें एक ही पता है, एफडी में पैसा लगाया था, मेरे पिताजी ने भी एफडी में पैसा लगाया था, इतना ही जानता हूँ, इससे ज्यादा नहीं जानता, इसमें लगा दो पैसा बस, सिंपल। व्हाट इज दिस बायस, दिस इज कॉल्ड फैमिलियरिटी बायस। फिर है आपकी हर्ड मेंटेलिटी। हर्ड मेंटेलिटी क्या है, मैन सोशल एनिमल है, अब झुंड जिस तरफ भाग रहा है, आज सारी दुनिया कहां भाग रही है, क्रिप्टोस की तरफ। व्हाट इज दिस हर्ड मेंटेलिटी, या जिस शेयर का रेट बढ़ रहा है उसका रेट बढ़ ही रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। फिर है लॉस अवर्जन। दूसरा है ये बायसनेस कि भैया 5,000 रुपए का फायदा भले ही ना हो लेकिन 5,000 का नुकसान नहीं होना चाहिए, ये कैसा है, लॉस अवर्जन। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो प्रॉफिट नहीं देखे, वो कहते भाई मैं वहां इन्वेस्ट करूंगा, नुकसान नहीं होना चाहिए। अब नुकसान नहीं होना चाहिए उसका क्या तरीका है, भैया एफडी में लगा दो, बैंक में ही रखे रखो 4.5% पे, दैट्स इट। 4.5% पे बैंक पे रखोगे, 8.5% आपका इन्फ्लेशन है, सब बराबर हो जाएगा, थैंक यू। सो दैट इज कॉल्ड दिस थिंग। हम आगे चलते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस क्या है, अच्छा एक चीज और बताइए, यहाँ पे क्लास में कल से ना हमें अटेंडेंस भी लेनी होगी, यहाँ पे क्लास में सीआर कौन कौन है, यहाँ पे इन दोनों क्लासेस के, बीएससी के और बीएससी के और इधर के सीआरस कौन है, बीएससी एंड एमबीए के, टाइप इन द चैट बॉक्स। सर एमबीए में मैं हूं कौशल। कौशल, कौशल आप एक काम करेंगे, या तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे अलग अलग टाइम पे आप कहोगे तो, ताकि मैं आपको बता दूं कि जब आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो, एक काम करो तो कभी तुरंत ले लो, अभी एक शुरू के और एक बीच में एंड में स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको स्क्रीन वन दिखा रहा हूं, अभी स्क्रीन वन दिखाई दे रही होगी आपको, या आप अलग अलग टाइम पे स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, 1, 2, 3 स्क्रीन आप देख पा रहे हो? यस सर। परफेक्ट, तो आप खुद कर सकते हो। दूसरा ये बीएससी से कौन है, बीएससी से सीआर कौन है, अच्छा बीएससी वाला है कौन यहाँ पे, ओके अंशिता, अंशिता आप अटेंडेंस लेंगी बीएससी की, ठीक है अटेंडेंस बीएससी की आप ले लेंगी, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, और बीएससी वाले जो नंबर्स हैं वहाँ पे सारे जो भी हैं जैसा आप लोग चेक कर लेंगे, बिकॉज मेरा फोकस थोड़ा ध्यान, क्योंकि अगर मैं अटेंडेंस में टाइम लगाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम इधर निकल जाएगा, हमें जल्दी कवर अप करना है, ज्यादा टाइम नहीं हमें लेना है चीजों को, क्योंकि हमें 12 दिन में कंप्लीट करना है इसको। अच्छा एक चीज बताइए, कोई बोर तो नहीं हो रहा है, कुछ मतलब बेकार तो नहीं लग रहा है कि जब 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 अरे यार क्या है फालतू की बकवास पढ़ाए जा रहे हैं, कुछ मतलब नहीं, हु इज फीलिंग लाइक दैट, एनीबडी फीलिंग लाइक दैट, ओके सी बिलीव मी अगेन रिमाइंडिंग यू, यू ऑल आर करोड़पतीस, यू ऑल आर करोड़पतीस। अगर ये 12 दिन आपने क्लास नहीं अटेंड करी ना, माता रानी का पाप लगेगा आपको, अभी तो गणपति आए हैं, गणपति का पाप लगेगा आपको, गणपति की कृपा नहीं आएगी। एनीवे जस्ट सेइंग, सबके ऊपर कृपा है, पूरी कृपा है, कल हमारे यहाँ गणपति विसर्जन भी है। एनीवे तो 12 दिन 11 दिन जो भी हमारे पास 12 दिन है, ढंग से अटेंड करो, ईच वन ऑफ अस इज अ करोड़पति, हर कोई एक करोड़पति है, ठीक है, बाकी सब पे कृपा है, कृपा बरस रही है, ओके।
लेट्स मूव अहेड, फास्ट फास्ट चलते हैं, अटेंडेंस लेते रहो, अटेंडेंस के लिए कौशल एंड अंशिता, राइट? और आप मेरे को व्हाट्सएप भी अलग से कर देना, कौशल एंड अंशिता, अंशिता अलग से मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मेरा व्हाट्सएप नंबर ग्रुप में है ही, आप अलग से मेरे को व्हाट्सएप कर देना। ओके सर। बाकी मैं रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ ताकि हमें टीम लीज को जो हमारी कंपनी को जब ये देना होगा डेटा या कुछ भी ऐसा तो हम लोग अवेलेबल करा देंगे। प्लस क्लास में रहना बहुत जरूरी है क्योंकि रिकॉर्डिंग, देखो एक बात और हो सकता है कि आप मेरे रिकॉर्डिंग मांगे, आप मेरे से ये कहें कि रिकॉर्डिंग चाहिए सर ये चाहिए। एक बात बताओ, अभी आपने हम लोगों ने 130 शुरू किया था 245, किसके पास इतना, जिसे कहते हैं किसके पास इतना पेशेंस है कि वो पौने मतलब डेढ़ घंटे, अभी आप पता है आप मुझे एक घंटे से यहाँ पे सुन रहे हो पढ़ रहे हो, किसके पास इतना फालतू टाइम है कि वो एक घंटा जाके पढ़ेगा? क्रिकेट को खेल सकते हो, क्रिकेट को देख सकते हो, लेकिन जो हाईलाइट देखना होता है ना वो थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हाईलाइट आप अकेले देख रहे होते हो, और जब लाइव चल रहा होता ना गेम, दिस इज अ लाइव गेम, यहाँ पे मैं अंशिता को कुछ कह रहा हूँ, हृदय को कुछ कह रहा हूँ, कौशल को कुछ कह रहा हूँ, कुछ लोग मीड मतलब दर्शक हैं पीछे सिर्फ अपना स्क्रीन ऑफ करके बैठे हैं, मजे ले रहे हैं, सोचने क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, somebody is watching this being in the court being in life, anyway next move ahead, now ओवर कॉन्फिडेंस, मैंने आपको बताया ओवर कॉन्फिडेंस भी यहाँ पे एक आपके पास आएगा, एक बायस, भैया इस समय तो भैया बिटकॉइन बिटकॉइन बिटकॉइन, इस समय तो हम लोग ADA कॉइन पे लगाते हैं, इस पे लगाते हैं, उस पे लगाते हैं, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस कुछ भी। जब आर पावर आया, जैसे आर पावर की बात इन्होंने करी, रिलायंस पावर आया था, या आप में से हो सकता है भाई नेक्स्ट वन ईयर तो कुछ नहीं, मार्केट गिरी हुई है खाली और सिर्फ सारा पैसा सोने में या चांदी में, बाकी कहीं पैसा नहीं। दूसरा है रिसेंसी बायस, रिसेंसी बायस क्या होता है, जो रिसेंट हुआ है, जैसे अभी बुल मार्केट चल रही है, आपने देखा कि अभी मार्केट क्या चल रही है, मार्केट अभी ऊपर की ओर आ रही है, बुल मार्केट कैसी है, जब ऊपर की ओर जा रहा है बुल। दो तरह की देखिए मार्केट कैसी होती है, दो बार तरह की मार्केट होती है स्टॉक मार्केट, वन होती है, वन इज बुल अदर इज बियर। बुल क्या होता है, इसे हम बोलते हैं तेजड़िया, हिंदी में तेजड़िया, तो जो तेजी एक्सपेक्ट करता है। अगर आप में आपको थोड़ा सा ज्यादा समझना हो तो ये इसकी मूवी आई थी हर्षद मेहता की, क्या नाम था, सॉरी स्कैम 1992, स्कैम 1992, वॉच स्कैम 1992, आपको मजा आ जाएगा, थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। स्कैम 1992 जब आपको मौका लगे तो आप सभी लोग देख लेना, स्कैम 1992 वेरी गुड मूवी। तो एक मार्केट में होता है, इन्वेस्टर ना दो टाइप का होता है, ट्रेडर भी दो टाइप का होता है, जैसे आप इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं, जो भी आप हैं, आप दो टाइप के हो सकते हैं, आप और एक टाइम पे आप दोनों भी हो सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट, अगर आप तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10 रुपए का शेयर है 12 का हो जाएगा, तो आप कौन है बुल, आप है बुल तेजड़िया। और 10 रुपए का शेयर है 8 रुपए का हो जाएगा, तो आप कौन है बियर भालू, इसे आप बोलते हैं मंदड़िया, जो नीचे की। तो एक 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 मार्केट को ऊपर ले जाता है, एक मार्केट को नीचे ले जाता है, मार्केट ऐसे ही चलती है। मार्केट में प्राइस कैसे डिसाइड होता है, डिमांड और सप्लाई पर, डिमांड और सप्लाई का कर्व होता है ना, मैं जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये है, अगर हम देखें दिस इज योर डिमांड एंड दिस इज योर सप्लाई, तो अगर हम देखें ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहां पे अगर हम वाई पे कहते हैं प्राइस और यहां पे कहने क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स, तो मान लेते हैं ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो अगर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हम इसकी क्वांटिटी देखें और ये मान लेते हैं 1000 में है, 1000 शेयर, तो 3000 शेयर पे क्या प्राइस है शेयर का, और ये हम लोग मान लेते हैं ये भी 1000 में है, 3000, अगर 3000 मार्केट में क्वांटिटी अवेलेबल है शेयर की,
तो क्या हो रहा है, प्राइस क्या है शेयर का, 4000 रुपए, राइट, क्लियर हो गया ना, क्योंकि सब कुछ 1000 में है, ये भी 1000 में है और ये भी 1000 में है, x एक्सिस पे क्वांटिटी है और y एक्सिस पे प्राइस है। म्यूट करता हूं एक मिनट। अब हम देखते हैं कि अगर मार्केट में सप्लाई बढ़ जाती है, ये सिर्फ आपको बना के दिखा रहा हूं, मान लेते हैं हम सप्लाई कर देते हैं, 5000 शेयर आ जाते हैं मार्केट में एक कंपनी के, 4500 शेयर आ गए मार्केट में, प्राइस कहां जाएगा, नीचे, राइट। तो डिमांड और सप्लाई पे प्राइस डिपेंड करता है, जब जब सप्लाई बढ़ जाएगी शेयर का प्राइस नीचे आ जाएगा, जब जब सप्लाई कम हो जाएगी शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, और जब जब डिमांड बढ़ जाएगी शेयर का प्राइस, आप खुद देखो, अप हो जाएगा, यहां से यहां डिमांड बढ़ते ही प्राइस अप, सप्लाई कम होते ही प्राइस अप, यानी कि प्राइस ऊपर और नीचे कब जाएगा, किसी भी शेयर का प्राइस तब बढ़ता है जब डिमांड उसकी बढ़ती है या उसकी सप्लाई मार्केट में कम होती है। नंबर टू, जब उसकी, और प्राइस कब गिरता है, जब उसकी डिमांड कम हो जाती है और सप्लाई ज्यादा हो जाती है। अब शेयर प्राइस क्यों गिरता है मार्केट में, जब मान लेते हैं जो इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट में आके बेचना शुरू कर देते हैं, जैसे वो मार्केट में अपना शेयर आके बेचना शुरू कर देते हैं सप्लाई बढ़ जाती है, रेट गिर जाता है, तो ये होता है रिसेंसी बायस। देन अ बिहेवियरल पैटर्न, आपका जैसा बिहेवियर है, अगर आप जिस तरीके से इन्वेस्ट करते आए हो वो भी एक मेथड है। इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर का कैसा इंटरेस्ट है, अगेन इंटरेस्ट, अच्छा इंटरेस्ट है, पॉजिटिव इंटरेस्ट है, नेगेटिव इंटरेस्ट है, सारी चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर इन्वेस्टर का इंटरेस्ट, अब उन्हें लगता है कि आईटी स्टॉक्स में पैसा बढ़ेगा या आईटी स्टॉक उनके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, तो वो भी एक एथिकल स्टैंडर्ड। कुछ है जैसे, कुछ आपका हो सकता है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग हैं जो सिगरेट, जैसे आईटीसी कंपनी है, सिगरेट बनाने वाली कंपनी या शराब की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, दिस इज योर एथिकल स्टैंडर्ड, दिस कुड बी समथिंग लाइक दैट आल्सो, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें एथिकल स्टैंडर्ड भी इफेक्ट करते हैं, दूसरा जो कंपनी के एथिक्स हैं वो भी, और दूसरा है फिर आपका रिस्क प्रोफाइलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। जैसे अभी आपकी 20 ईयर्स की एज है, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपका रिस्क प्रोफाइल बहुत बड़ा है, आप आराम से अभी रिस्क ले सकते हो, आपके पास पूरे 40 साल रिस्क लेने के लिए हैं अभी आपके पास कोई, या शुगर इंडस्ट्री इज ऑल्सो रिस्क इंडस्ट्री, तो आपके रिस्क प्रोफाइल कैसा है कि अभी आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप बड़ा रिस्क ले सकते हो, आप इक्विटी में ले सकते हो, आप रिस्की एसेट क्लास में जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो रिस्क प्रोफाइलिंग, ये क्वेश्चन आता है, रिस्क प्रोफाइलिंग कंसिडर 3 पॉइंट, नंबर 1 नीड टू टेक रिस्क, नीड, एबिलिटी और विलिंगनेस, ये क्वेश्चन गारंटेड आता है और आपके सामने आएगा, ये क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज रिस्क प्रोफाइलिंग। रिस्क प्रोफाइलिंग में क्या क्या चीजें आती हैं, नीड, एबिलिटी और विलिंगनेस। क्या आपकी नीड है रिस्क लेने की, क्या आपकी एबिलिटी है, क्या आपकी विलिंगनेस है, इससे आपका डिफाइन होता है रिस्क प्रोफाइल। फिर एसेट एलोकेशन की अंडरस्टैंडिंग, अब एसेट एलोकेशन क्या है, एसेट एलोकेशन जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट एसेट क्लास है, उनका अलग अलग एलोकेशन, अब एक होता है स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन, एक होता है टैक्टिकल एसेट और एक रीबैलेंसिंग। स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन कैसा हो सकता है, फाइनेंशियल गोल पर डिपेंड हो सकता है आपके, बिल्कुल आपके जो भी फाइनेंशियल गोल हैं उस हिसाब से आपने, आपके जैसे अभी आपको घर बनाना है, 30 साल में आपको अपना घर बनाना है, तो आप सारा का सारा पैसा मेजरली 80% आप पैसा इक्विटी में रख सकते हैं, 20% पैसा आप डेट में रख सकते हैं, और जनरली एक बहुत कॉमन बात बताई गई है, जितनी आपकी एज है उतना पैसा आप डेट में रखिए, और जितनी आपके पास एज अभी बची है एक्टिव एज उतना पैसा आप इक्विटी में रखिए। जैसे आप सभी के लिए इन जनरल में बता रहा हूँ, आप सबकी एज 20 है तो आप 20% पैसा डेट में रखिए, जैसे FD हो गया, बॉन्ड हो गया, या इक्विटी या डेट म्यूचुअल फंड हो गया, इसमें 20% रखिए, 80% आप इक्विटी में रख सकते हैं, क्योंकि आप पूरा रिस्क ले सकते हैं। अगर आपका पैसा नीचे भी आता है तो आपके पास टाइम बढ़ा है अपने पैसे को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग, टैक्टिकल एसेट, अगेन टैक्टिक्स के हिसाब से। अब यहाँ पे टैक्टिकल एसेट क्या है कि अगर आप यहाँ पे रिस्क, आप यहाँ पे रिटर्न ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आप 100% पैसा कहाँ रख सकते हैं, सारा का सारा इक्विटी में। ना फिर आती रीबैलेंसिंग, रीबैलेंसिंग क्या होती है, रीबैलेंसिंग होती है कि एसेट क्लास की रीबैलेंसिंग बेस्ड अपॉन दी इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल या फिर उसकी एज। अभी जैसे मान लेते हैं आपका, अभी हम लोग 80-20 की बात कर रहे हैं, आज अगर आप 40 साल में आ जाते हो तो फिर हम क्या बात करेंगे, आपकी रीबैलेंसिंग हमें एसेट की करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट की। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि
तब आपकी एज 40 साल की हो गई होगी। अब आपका रिस्क कैपेबिलिटी क्या होगी, अगले 20 साल बचे आपकी रिस्क कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो अब हमें क्या करना होगा, 40% हम आपका मतलब 20% इक्विटी में रखेंगे और 40% आपका किस में रखेंगे, डेट में, ताकि आपका पैसा सेव रहे। दिस इज कॉल्ड रीबैलेंसिंग। जब हम दोबारा बैलेंस करते हैं अपने पोर्टफोलियो को, उसको हम बोलते हैं रीबैलेंसिंग। फिर चलते हैं डू इट योरसेल्फ वर्सेस टेक प्रोफेशनल। देखिए आप कोई भी इन्वेस्टमेंट, एसेट इन्वेस्टमेंट या कुछ भी आप खुद से भी कर सकते हैं, प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं। अब अगर आप खुद से कर सकते हैं, अब ये क्वेश्चन किस पर डिपेंड करता है, द क्वेश्चन विल बी ब्रोकन टू थ्री कंपोनेंट। कैन यू डू जॉब वनसेल्फ, डज वन वांट टू डू इट, कैन यू अफोर्ड आउटसोर्स। अगर आप खुद से देखिए एसेट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप क्या खुद करना चाहते हैं, क्या आप आउटसोर्स करने के लिए आपके पास पैसे हैं? क्योंकि देखिए अगर आप किसी को भी इन्वेस्टर को बोलेंगे कि मेरा इन्वेस्टमेंट मैनेज करो, मेरा मेरे को राइट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बताओ, मेरे को राइट इन्वेस्टमेंट तरीका बताओ, ऑब्वियस है कि आपसे वो पैसा लेगा। आप किसी को बोलते हैं 10 लाख रुपए का मेरा पोर्टफोलियो है, मुझे एक सर्टन परसेंटेज रिटर्न चाहिए, आप मुझे बताओ मैं कहाँ कहाँ लगाऊं। अब वो फ्री में तो अपनी सर्विसेज नहीं देगा ना आपको। आपके पास क्या मेथड है, तीन ही मेथड है। मेथड नंबर वन, डू इट योरसेल्फ। मेथड नंबर टू, अगेन भले ही आप करना भी चाहते हैं लेकिन क्या आप खुद से करना चाहते हैं, और तीसरा है कि आपके पास पैसे हैं बाहर किसी को देने के लिए, तो इस पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं, चैप्टर वन के सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर वन हमारा ओवर हो गया, हम लोग डेली इसी टाइम इस तरीके से मिला करेंगे, 1.5 पर अप्रोक्सीमेटली अपनी क्लास खत्म हो जाएगी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज डज नॉट ऑफर इनकम ऑन रेगुलर बेसिस। इनमें से बताइए कौन सा रेगुलर बेसिस पे। अब आप अनम्यूट करके बोलिए। देखिए अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट समय आया है अपनी क्लास का, यहीं पे रिवीजन हो जाएगा, यहीं पे तैयारी हो जाएगी और यहीं पे पेपर तैयार हो जाएगा और यहीं पे आपका एग्जाम पास हो जाएगा। मजा आ गया, राइट और राइट? थोड़े से क्वेश्चन करने हैं, 10 मिनट और लगेंगे, काम खत्म। ओके, लेट्स मूव अहेड। अनम्यूट करके बोलना चालू कीजिए। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज डज नॉट ऑफर इनकम ऑन रेगुलर बेसिस। इनमें से किस में रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्टमेंट नहीं आती है? रियल एस्टेट। ओके, ठीक है, परफेक्ट। और अगर मैं बोलूं तो इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें आपको रियल, जिसमें आपकी रेगुलर बेसिस पे इनकम आती है, मतलब फिक्स्ड इनकम आती रहती है, इसमें से ऐसा कौन सा है? डिबेंचर्स। यस, डिबेंचर, राइट, डिबेंचर। क्योंकि डिबेंचर कैरीज अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि वहां पे आपको मान लेते हैं 8% डिबेंचर। आपने बोला कि डॉक्टर आशीष जुनेजा इश्यूज 8% डिबेंचर एट द फेस वैल्यू ऑफ 100 रुपीज। इसका क्या मतलब है कि 100 रुपए का फेस वैल्यू पे डिबेंचर है, 8 रुपए आशीष जुनेजा, डॉक्टर आशीष जुनेजा आपको हर साल, हर महीने या जो भी साल का होगा, साल का होता है बेसिकली, वो मिलते रहेंगे। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट कैटेगरीज कैन बी परचेज फॉर द कंजम्पशन पर्पसेस। कंजम्पशन के लिए आप किसको यूज कर सकते हो इसमें से? रियल एस्टेट। ओके, ठीक है, राइट। हम इसे कंजम्पशन का क्या मतलब है, खुद के कंजम्पशन के लिए, क्योंकि घर है, घर आप खुद के यूज के लिए करोगे ना। देखिए स्टॉक आप खुद यूज नहीं कर सकते, वो खाली इन्वेस्टमेंट है, बॉन्ड खाली इन्वेस्टमेंट है, डिबेंचर खाली इन्वेस्टमेंट है। नाउ परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी चेंजेस ऑन अकाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। परचेजिंग पावर किस पे चेंज हो जाती है? एसेट एलोकेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन, डाइवर्सिफिकेशन। इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, यस, मैंने आपको बताया था इन्फ्लेशन, यस, इन्फ्लेशन होता है तो परचेजिंग पावर क्या हो जाती है, क्या हो जाती है इन्फ्लेशन से परचेजिंग पावर, अप या डाउन? डाउन। डाउन। क्योंकि आपने देखा था एक केस जहां पे 10,000 रुपए खर्च करके आपके 1,00,000 रुपए हो गए थे, लेकिन 1,00,000 रुपए 10 साल बाद आपके 1,00,000 रुपए और आज के 10,000 रुपए बराबर है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फायदा नहीं हुआ ज्यादा। सो रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? रियल रेट ऑफ रिटर्न वो है जो आपके रेट ऑफ रिटर्न में से इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके जो इन्वेस्टर को रिटर्न मिलता है उसे हम बोलते हैं रियल रेट ऑफ रिटर्न, राइट। चलें आगे। नाउ व्हेन द इंटरेस्ट रेट इन इकोनॉमी इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स। अभी इंटरेस्ट रेट अगर इकोनॉमी में बढ़ रहा है, अगर इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में इंक्रीज हो रहा है, एग्जिस्टिंग बॉन्ड का प्राइस क्या होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज। इंक्रीज। कैसे?
कैसे एक्सप्लेन, कोई एक्सप्लेन करेगा? We will keep this question. ये discussion के लिए मैं आपको इस question को रख देता हूँ. We will keep this question not right now. Discussion के लिए छोड़ देता हूँ. This is your assignment. Question number 5 is your assignment, जिसको आपने मुझे कल class आने से पहले declare करना. Now, this is इसलिए आखिरी question था इसलिए छोड़ दिया. This is what you have to think about. और क्योंकि exam में आपके पास मौका नहीं मिलेगा सोचने का. Interest rate, अब आप सोचिए economy में interest rate बढ़ रहा है. बॉन्ड्स और इंटरेस्ट रेट का आपस में क्या होता है, क्या रिलेशनशिप होती है बॉन्ड और इंटरेस्ट रेट की, ये आप चेक कर लेना. और ये जो मैंने आपको दिया है यहाँ से भी आपको मिल जाएगा इफ इट इज अवेलेबल. आई विल चेक कि हम लोग ये आपको अभी इशू कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं. ओके, सो दैट्स ऑल. आई थिंक आप सभी को क्लास में आज कुछ मिला होगा. करोड़पति की ओर बढ़ते ही है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट एग्जाम क्वालिफाई कीजिए. आई होप यू गॉट इट. सो हाउ वाज द क्लास, व्हाट ऑल डिड यू फाइंड, हाउ वाज द क्लास, डिड यू फाइंड इट interesting, type interesting, you found the class interesting. आपको क्लास में मजा आया, इंटरेस्टिंग हुई, क्लास कंप्लीट भी हो गई. देखिए हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया. जो जो मेरे साथ बैठा रहा वो एक चैप्टर कंप्लीट कर चुका है. उसे ना कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं एग्जाम पास करने के लिए, थोड़ा सा गो थ्रू करना है उसे चैप्टर को बस. ओके, हियर दे सेड ग्रेट, गॉट टू नो मेनी थिंग्स, परफेक्ट. ओके परफेक्ट. ओके इंटरेस्टिंग, और मैं आपको ओपनली बताऊं टाइम पे अगर 1:30 आ जाओगे ना, जो भी हमारा टाइमिंग रहेगा कल की क्लास का टाइमिंग डिक्लेयर हो जाएगा, जो टाइम पे होगा अगर टाइम पे आ जाओगे ना आप सभी लोग, तो हमारी क्लास मैं 1.5 आवर में कंप्लीट कर दूंगा. मैं 2-2, 3-3 घंटे क्लास नहीं चलाना चाहता. मैं नहीं चाहता कि आपकी क्लास 3 घंटे चले, 2.5 घंटे चले. ये काम को करने के लिए हम 2-3 घंटे लगे. मैं चाहता हूँ कि 1.5 आवर्स में सब कंप्लीट कर लें एंड दैट्स इट. सभी लोग रेडी हैं? सभी लोग रेडी हैं? और जो लोग वीडियोस में नहीं आए हैं मैं बता रहा हूं आपको, देखिए आप अपनी बात को समझ लीजिए. आपको वहां पे ये एग्जाम जो आप अगर आप ऑनलाइन देने वाले हो ना, वहां पे अगर आपने इधर भी देखा ना ऐसे, आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा एग्जामिनर. वो बोलते हैं सी लुक इन टू द कैमरा, अगर आप ऑनलाइन देने वाले हो किधर देख रहे हो, सो दे वो आपका एग्जाम बैन कर देते हैं. और ये आपको क्या है कि वीडियोस क्या है कि वीडियो आप ऑन करिए. मैं सभी को बोल रहा हूँ वीडियो ऑन कीजिए, क्योंकि कल आप अदरवाइज पता क्या होगा, यहाँ जो प्रैक्टिस आपकी बनेगी वीडियोस में देखने की, वीडियो में समझने की, वो आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी 12 दिन के बाद, और यू एग्जाम पास हो जाएगा यू. मुश्किल एक बात बताओ, आप 10 देखिए 11 चैप्टर्स हैं, हमने कितने चैप्टर कर लिए, कितने चैप्टर कर लिए? अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट करके. वन चैप्टर. तो 1 डिवाइडेड बाय 10 इज हाउ मच? 1 डिवाइडेड बाय 12 चैप्टर्स हैं. 1 डिवाइडेड बाय 12 इज हाउ मच? अप्रोक्सीमेटली 9%. क्वेश्चन कितने थे आज हमारे? क्वेश्चन कितने आए थे? 5 questions. वहां पे अगर आप, अगर 100 is equal to 100 questions या 12 chapters, तो आप कितना exam pass कर चुके हो अभी? 9%. आपको पता है आप 9% exam pass कर गए हो, जो भी आज क्लास में आया 9% आप कर चुके हो. कल 18% हो जाएगा, परसों 27% हो जाएगा, उसके बाद 36% हो जाएगा, और 5 दिन में हम लोग 45% कर चुके होंगे. अभी मुझे बताइए कि कौन क्लास को मिस करेगा, कौन क्लास में म्यूटेड वो वीडियो ऑफ करके बैठेगा, कौन क्लास में कुछ नहीं करेगा, सिर्फ सुनेगा, सिर्फ आराम से हाँ ठीक है कोई तो बोल रहा है, हाँ ठीक है कर लेंगे यार क्या जा रहा है, पता नहीं कोई तो कुछ तो बोलता है, ठीक है कोई तो डॉक्टर नाम का कोई व्यक्ति है कुछ तो बताता है, और ठीक है यार मिल रहा है ना आराम से, हमें तो क्या करना है, हमें तो एग्जाम ही पास करना है, कर लेंगे. बड़ी चीज है एग्जाम पास करना, इतने सारे एग्जाम पास करें एक और कर लेंगे, क्या दिक्कत है, पता नहीं क्या रिक्वायरमेंट बनाई रखी. See, how you do anything is how you do everything. आप एक काम को जैसे करते हैं ना, आप सारे काम को वैसे ही करते हैं. ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बाय फॉर नाउ. कल क्लास में कोच, अगेन कोच 12 दिन आपके साथ है, 12 दिन जो आपको कोच बोले वही करो, और एग्जाम पास भी हो जाएगा, अपने फाइनेंशियल गोल की तरफ भी बढ़ जाओगे, और अभी तो बहुत कुछ मिलेगा आपको, अभी तो आज शुरुआत हुई है.
राइट बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाता चला जाऊंगा. वॉज एक बार बताओ आपने ये जो क्लास अटेंड करी ये इजी थी या ये 40 पेज को पढ़ना इजी था? क्लास अटेंड करना मुझे खुद बताओ 40 पेजेस पढ़ना इजी है और 360 पेज है 12 दिन में ऑलमोस्ट लाइक 30 पेजेस पर चैप्टर. ये 40 पेज रोज पढ़ सकते हो आप 40 पेज घर पे जाके. मैं गारंटी देता हूँ आप 40 पेज पढ़ के दिखा दो खुद से. So that is what I want to say. Just let me mute. Class में attentive रहो, class को सुनो. 40 पेज ना हलवे की तरह खा लोगे, हलवे की तरह. तो सामने सूजी का हलवा होता है ना, ऐसे खा लोगे, सूजी के हलवे की तरह. अच्छा ये क्वेश्चन है, हाँ ये कोई क्वेश्चन होता है, थोड़ा मुश्किल बनाते. Then you will say थोड़ा मुश्किल बनाते. ये कोई क्वेश्चन नहीं था. And you know इसके बाद हम लोग लास्ट में आपको एक क्वेश्चन बैंक भी देंगे. और उससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, मेरी गारंटी है. क्या चाहिए आपको? कुछ चाहिए इससे ज्यादा? अब पेपर तो मैं नहीं लिख के आ सकता, मेरे को पेपर लिखना पड़ेगा. तो यहाँ पे 58 स्टूडेंट्स हैं, 100 मिनट, मुझे 5800 मिनट चाहिए होंगे, 5800 मिनट्स. और सेंटर वाले भी बाहर निकाल देंगे. 100 क्वेश्चंस, और आप आराम से 100 मिनट्स की भी जरूरत नहीं है, आप एक घंटे में पूरा कर लोगे. हो सकता है 40-45 मिनट में पूरा कर लोगे. मैंने किया है 45 मिनट्स में शायद अपना जब एग्जाम दिया था मैंने. आराम से कर लोगे. क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, क्लास अटेंड करो. 40 पेज आपको डेली पढ़वा दूंगा, 40 पेजेस. इससे और कोई सेवा हो तो बताओ. और कोई सेवा चाहिए? ऑब्जेक्टिव, हाँ ऑब्जेक्टिव ही आएंगे हृदय, ओनली ऑब्जेक्टिव. जैसे हमने आज करे है ना, ऐसे ऑब्जेक्टिव ही आएगा. कोई और सेवा? नोट्स नहीं भेजेंगे क्या? नोट्स, नोट्स में भेज दूंगा आपको. नोट्स यही है जो हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम की जो बुकलेट है, यही नोट्स है. और नोट से बढ़िया है लाइव क्लास. लाइव क्लास अटेंड करते रहो एंड सब कुछ याद रहेगा. जैसे आप लाइव क्लास अटेंड करोगे आपको सब कुछ याद रहेगा, कुछ भूलोगे नहीं. चलो बाय फॉर नाउ, सी यू अगेन टुमारो. रिमेन इन द क्लास, अटेंड द क्लास. इट इज इजी टू अटेंड द क्लास, इट इज डिफिकल्ट टू रीड 40 पेजेस. आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू अगेन. आसान है क्लास अटेंड करना, आसान है वीडियो ऑन करके बैठना, आसान है क्लास को सुनना और वहां पे जवाब देना. मुश्किल है 40 पेज डेली खुद से पढ़ना. बाय, थैंक यू फॉर बीइंग हियर. थैंक यू सर.